एक बार आप लोग सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद हनुमान नित लीला प्रविष्णु विष्णु पाद स्तोत्र सतश्री श्री श्री माध भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग भगवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद हनुमान नित लीला प्रविष्णु विष्णु पाद स्तोत्र सतश्री श्री श्री माध भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित
है कि जो सच्चिदानंद गौरव है मेरे प्रभु है, लेकिन महाप्रभु मना किया, इसको बोलना नहीं। अगर हम बोलोगे ना सुदर्शन चक्र लेकर गला काटूंगा। उन्होंने भगवत भगवत स्वरूप दर्शन कराया, लेकिन दर्शन कराते हुए भी इसको बोला नहीं बोलने के लिए। लेकिन देखो भगवान की भगवत का देखो, सो स्वयं जो भगवान है वो स्वयं भगवत स्वरूप दर्शन दिलवाया, लेकिन मना किया इसको बोलना नहीं। लेकिन कलयुग में देखो कितने भगवान आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में जाकर जेल में बैठे, कुछ दिन बाद में सब के सब जेल में जाकर बैठते। हमारी उड़ीसा में भी एक भगवान हो गए हैं, सारथी बाबा भी भगवान हो गए हैं, कुछ लोग जादू बना दिखा करके लोगों को पागल बना रहे थे, पैसे शायद निकल, इसलिए अभी जाकर सब जेल में बैठेंगे। और भी बहुत सारे भगवान आप जानते होंगे जो अपने आप को मरु को लगा लगा सकते हैं और क्या क्या बोलते थे, तुम सब जेल में बैठे हैं। इसलिए यदि विभिन्न पुराण में कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, विभिन्न पुराण में कितने पुराण, इसलिए हमारे भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज ने एक ग्रंथ निकाल, जरूर आप लोग पढ़ना। वो ग्रंथ है कलयुग में जो श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, कौन सा पुराण है, क्या क्या श्लोक है, वो ग्रंथ उन्होंने सारे श्लोक उन्होंने दिया है। और हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब भक्ति विदान श्री बामन गोस्वामी महाराज को बोलते थे, खड़े होकर बोलो कौन सा पुराण है, महाप्रभु कलयुग में आएंगे, क्या प्रमाण है, जब बोलते थे वो झड़ जैसे बोलते थे। उनको कहते ना हमारे गौड़ी वैष्णव का डिक्शनरी, इतना श्लोकों को याद भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज को, वो कहते थे ये पत्र में 7 दिन तक श्लोक बोलू ना, इतना श्लोक में लिया तब भी खत्म नहीं होगा, पूरा राम गीता याद, पूरा भागवत याद, कितने पुराण उनको याद पता नहीं, कितने श्लोक याद। आप लोग भी थोड़ी बहुत श्लोक याद करना, ठीक है, थोड़ी बहुत श्लोकों को याद करनी चाहिए, बोलिए। इसलिए इस सब श्लोकों का आप लोग जरूर याद करना, ठीक है। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्रीमद नित्यानंद प्रभु की, गौर प्रेमानंद। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आएंगे, आने का क्या कारण है। इसलिए गुरु जी कहते थे उनको आने का 4 कारण है, कितना कारण है, यद्यपि कारण बहुत है, बहुत सारे कारण है आने का, लेकिन सब कारण को अगर हम एकत्रित करेंगे उसमें 4 कारण ही मिलेगा उसमें, और भी कारण उसको भी हम सुनेंगे, आप ध्यान देकर सुनना, कल मेरे को एक एक कारण बताना, ठीक है। कहते कुछ उसमें साधारण कारण है और उसमें कुछ विशेष कारण है। बोले भैया साधारण कारण क्या है, बोले कलयुग धर्म नाम संकीर्तन, कलयुग धर्म नाम संकीर्तन, Hare Rama, Rama Rama.
कलयुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन है। इसे जिसको गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरि सुमिरि कर उतर निवारा। और जिसको भागवत में यही बताया, जब श्री सौनक आदि ऋषियों ने श्री सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न की थी, 6 प्रश्न का दूसरा प्रश्न था कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है। इसका उत्तर भी श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकूतमयम् योगिनां निर्वनिर्मित हरि नामानुकीर्तन। बोले कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय है हरिनाम कीर्तन का। एक बार हाथ उठा कर बोल सकते सब, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 देखो मीरा कहती है ना पालो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा भी एक ही बात कहती है। सूरदास जी को देखो, कितने बड़े बड़े संतों को आप देखोगे ना, सबके सब बोले कलयुग में भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय है हरि कीर्तन, हरि का नाम है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगत में आए, इन्होंने जगत में आने का पहला कारण है कलियुग का जो युग धर्म है, 4 युग है सत्य त्रेतया द्वापर और कलि, ये 4 युग है जिसको भागवत में बताए, बोले कृते यत धायत विष्णु। सत्य युग में भगवान को कैसे प्राप्त करते थे? बोले ध्यान के द्वारा। बोले त्रेतया यज तो मथे ही तक, यहाँ पर फोटो लगा था यहाँ पर। बोले त्रेतया युग में भगवान को कैसे प्राप्त करते थे? बोले यज्ञ के द्वारा। बोले द्वापरे परिचर्याया, द्वापर युग में भगवान को परिचर्या सेवा के द्वारा प्राप्त करते थे। लेकिन कलो तद हरि कीर्तन, भगवान ने देखा कलियुग का जीव इतना कोई परिश्रम नहीं कर सकता है। सत्य युग में देखो हजार हजार साल तक तपस्या करते थे। वाल्मीकि का नाम सुने होंगे, इनका नाम वाल्मीकि क्यों नाम पड़ गया? उन्होंने राम का नाम करते करते सारा शरीर दिमाग चाट गया और एक जगह पर बैठ करके राम का नाम लिया। कलयुग में एक दिन अगर भूखे रहो ना, बोले एकादशी, एक दिन व्रत कर एकादशी व्रत हैं, बोलो भैया ये सेवा करो, बोले आज हमने व्रत रखा है। मतलब एक दिन भी व्रत हम रख नहीं सकते हैं। इसलिए देखा ध्यान, मन एकाग्र हो तभी तो ध्यान होगा, लेकिन हमारा मन बड़ा चंचल है। कहते ना राधे तेरी चरण की ब्रज धूल, जो मेरा मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूँ। मन इतना चंचल कलयुग में, पर ध्यान कैसे करेगा हैं? तृतीय युग में यज्ञ करने के लिए जब हवन सामग्री चाहिए, घी लाओ, अंगूर चंदन, इतना कहाँ से पैसा लाएंगे? जे रोज रोज यज्ञ करेंगे, हवन सामग्री भी शुद्ध नहीं, घी भी मिला बटी है, जो मंत्र उच्चारण करके गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, शराब पी रहे हैं, उनको मुंह से मंत्र ही उच्चारण नहीं होगा, शुद्ध रूप में मंत्र नहीं उच्चारण कर सकते हैं। और कल द्वापर युग में अर्चन पूजा, उसके लिए भी अगुर चंदन कर्पूर कहाँ से इतना लाएंगे? इसलिए भगवान बोले भैया कलयुग में ज़्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, हाथों में काम करो और मुंह में ठाकुर का वास उदार है, बड़ा पारी है। लेकिन तब भी भगवान ने कलयुग में इतने सरल उपाय बोल दिया, लेकिन तब भी कलयुग का लोग हरि का नाम नहीं लेते हैं। इसलिए पुराण में बताए, पुराण में एक श्लोक में बताए, बोले सुलभम भगवत नामम जिह्वा च वशवर्तिन तथापि नरकम जानति कीम आश्चर्य अथ परम। देखो क्या कह रहे हैं भगवान, ये बात नहीं बताया। देखो जैसे सत्य तृतीय द्वापर युग में भगवत प्राप्ति के लिए पैसा की जरूरत है,
आप बताओ बगैर पैसा के हवन कर सकते हो? किसी पंडित को पास में जाओ, पहले बोलेगा इतना 1000 रुपया दो तब यज्ञ करेंगे, और एक यज्ञ में पता नहीं कितने पैसा खर्च हो जाएगा। ठाकुर का सेवा पूजा करने के लिए अगुर चंदन कर्पूर पंचामृत तभी पैसा चाहिए। लेकिन भगवान कलयुग में देखो बिना पैसा का, केवल होठ हिलाओ हरि का नाम होगा, बिना पैसा बिना परिश्रम का हरि का नाम है, हैं हरि का नाम है। बोले भगवान ये नहीं बताए, देख अगर तू मेरा नाम लोगे ना तेरे को पैसा देना पड़ेगा, भगवान बोलते हैं नहीं बोलते हैं? हैं बोले जिह्वा च बसवर्ती न, पर जिह्वा हमारी बस में, ये जिह्वा को जैसे बोलोगे वैसे करेगा। अगर बोलोगे चुगली करने के लिए वो चुगली करेगा, अगर बोलोगे हरि का नाम लेने के लिए हरि का नाम लेगा। बोले जिह्वा च बसवर्ती न, लेकिन तथापि नरकम जानती, लेकिन तभी भी कलिजू का जीव हरि का नाम करते नहीं, तब भी कलिजू का जीव का नरक में जा रहे। बोले भैया इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? इसलिए महाप्रभु जगत में आने का जो एक कारण है, कलिजुग धर्म है नाम संकीर्तन, कलिजुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु एक समय सारे भक्त लोगों को बुलाया, बैठा करके महाप्रभु कहते हैं, बोले प्रभु बोले कहिलाम यही महामंत्र, इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध, इहा है ते सर्व सिद्धि है वे सवाल, सर्व क्षण बोलते विधि नाइया। महाप्रभु बोले मैंने तुम लोगों को ये हरि नाम दिया है, ये हरि का नाम को जप करो, जब ये हरि नाम जप करोगे बोले इया है ते सर्व सिद्धि है वे सवाल, जब हरि नाम करोगे ना, सर्व सिद्धि मतलब क्या है? हरि नाम से जो कुछ मांगोगे, इसलिए ये हरि नाम का एक नाम है नाम चिंतामणि। बोले नाम चिंतामणि, हरि नाम को बताया चिंतामणि, क्या बताया जोर से बोलो, चिंतामणि मतलब क्या है? जो मांगो वही मिलेगा, जो मांगो वही मिलेगा। इसलिए हमारी गुरु वर्ग ने एक उदाहरण देकर समझाया, देखो उदाहरण दिया है, अब रास्ता में जा रहे हो, आपका हाथ में एक खाली थाली है, थाली खाली है, आपको 500 रुपया के गड्डी के गड्डी कहीं पड़ा हुआ मिला जिसका कोई मालिक नहीं, आपका हाथ में एक खाली थाली, अब क्या करोगे बोलो? ये माता जी कहते भर लेंगे, बड़े चालाक है, इसलिए क्यों, उसका कोई मालिक तो है ही नहीं, उसका कोई मालिक ही नहीं, अब तो चोरी कर ही नहीं रहे हो, फिर क्या करोगे? जितना हो सके उसको थाली में भरेंगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, आपका पूरा थाली भरा हुआ है, आपको 2000 रुपया गड्डी की गड्डी मिला, फिर क्या करोगे बोलो? क्या करोगे? पहला वाला थाली भर गया, फिर क्या करोगे? उसको फेंक दोगे? हम तो बड़े चालाक हो। हाँ, जब भैया 2000 रुपया की गड्डी की गड्डी, फिर 500 रुपया की क्या जरूरत, उसको भी फेंकेंगे, 2000 गड्डी की गड्डी भरोगे। लेकिन फिर जब थोड़ी दूर गई ना, देखा हीरे जवाहरात बिखरा हुआ, हीरे जवाहरात, फिर क्या करोगे? 2000 रुपया भी फेंकोगे उसमें, फिर हीरे जवाहरात भरोगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, आपको मिला है पारस मणि, नाम सुने हो, जो लोहे को भी जो सोना बना दे, हैं पारस मणि मिलेगा, फिर क्या करोगे? सब फेंकेंगे, और लोहे और कितना पैसा लाओ, टच कराओ, सब दे, सब सोना होते जाएगा, हैं फिर पारस मणि भरोगे। लेकिन और थोड़ी दूर जो दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज है, बता सकते हो क्या है? जिसका नाम है स्यमंतक मणि, भागवत में कथा आती है, ये सूर्य देवता ने सत्राजित को दिया था, जिसमें रोज रोज अष्टभार सुवर्ण प्रकट होता है। अष्टभार मतलब सोने की चट्टान अपनी आप निकलती है, अष्टभार कितने 1000 किलो, जिसको लेकर बड़ी लड़ाई हुआ, हाँ भागवत में आती है। अगर वो मिलेगा तो फिर क्या करोगे? फिर पारस मणि को भी फेंकेगे, क्योंकि लोहे लाओ स्पर्श कराओ वो तो सोना बनेगा, लेकिन ये स्यमंतक मणि से तो अपनी आप सोना निकलेगा, अपनी आप चट्टान निकलती है, फिर उसको भी भरेंगे।
लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज मिलेगा। जानते हो क्या नाम? बोले जिसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या? अगर ये तो सेमंतक मणि से अगर बोलोगे भैया आज दाल बाटी चूरमा खाना चाहते हैं, वो आपको नहीं देगा। हम ऐसे कपड़ा पहनना वो नहीं देगा, वो केवल सोना ही सोना देगा। सोना थोड़ी आप खाओगे, सोना थोड़ी खाओगे, पहनोगे थोड़ी सोना। लेकिन जो चिंतामणि है, जो चिंता करो, जो मांगो उससे वही मिलेगा, वही मिलेगा चिंतामणि। वो चिंतामणि क्या है? भागवत कहता है बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। ये जो हरि का जो नाम जब करे ना, भगवान के नाम कभी, यही चिंतामणि है। जो इससे मांगोगे तुमको वही मिलेगा। आप बोलोगे भैया हमको अभी तो भी कुछ मिल नहीं रहा है, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि जैसे नाम करने चाहिए हम नाम को वैसे नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका फल हमें नहीं मिलता है। जैसे हनुमान जी, शंकर जी, मैया देवी, गणेश जी, हम इनको जो कुछ मांगते हैं सब इच्छा पूरी कर देते, कर देते कि नहीं? क्या हनुमान जी कोई फैक्ट्री लगा कर रखे हैं? शंकर जी कोई फैक्ट्री लगा कर रखे हैं? जो मांगो वही दे देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं केवल प्रभु का नाम की प्रभाव से ये सब कुछ दुनिया को लुटा देगा। हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं? रघुपति राघव राजा रामपति तपावन सीताराम। शंकर जी दिन भर क्या करते हैं? बोले पंचमुखे राम नाम दान त्रिपुरारी। माता पार्वती को एक हाथ में देखोगे माला, वो भी क्या करती है? बोले सहस्र नाम सुनी प्रिय वाणी, जपी जय प्रिय संग भवानी। देखना पार्वती के हाथ में भी माला है, सरस्वती हाथ में माला, ब्रह्मा जी को हाथ में माला है। ये जितने 33 करोड़ देवता है ना, ये सबके सब ठाकुर जी का नाम ही जप करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर ये हरिनाम को अगर हम ठीक ठीक से करेंगे ना, यह है तो सर्वसिद्धि है वे सवार। देखो हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एक बार बोल रहे थे, बोले जब अपने गोवर्धन गए हो, गिरधारी गौड़िया मठ देखे हो, कौन कौन देखे हो, कितने करोड़ रुपया लगा है। गुरुदेव बोल रहे थे जब वो मंदिर बन रहा था, जब मैं कभी कभी हरिनाम करता था, कभी कभी थोड़ी थोड़ी मन में आता था ये इतना बड़ा मंदिर बन रहा है भैया पैसा तो लगेगा, पैसा तो लगेगा, गुरुदेव कह रहे थे। लेकिन जब मैं थोड़ी सी कोई सोचता था पैसा लगेगा, पता नहीं सारा दुनिया कहाँ से कितने कितने पैसा दिया। अब देखोगे ना कितने करोड़ रुपया की मंदिर है। गुरुदेव कहते थे जब हरिनाम करते हुए मैं थोड़ी सी सोच लेता था, पता नहीं ये सारे पैसा अपने आप आ जाते, सारे पैसा अपने आप आ जाती थी। भैया ये जो हरिनाम महाप्रभु कहते हैं अगर इसको हम सही सही जप करेंगे, भैया जो कुछ मांगोगे हरिनाम तुम्हें सब कुछ प्रदान करेगा। और अंतिम समय तो जड़ वस्तु तो देता ही, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वो कृष्ण प्रेम, कृष्ण दर्शन और भगवान का धाम को दे देगा। ठाकुर जी की धाम को भी देगा भगवान के हरिनाम। इसलिए महाप्रभु जब महाप्रभु कीर्तन करते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी लोट को दुखाते थे, तब इनको किसने पूछा भैया तुम सन्यासी हो, ये नाच गान करना रोना थोड़ी तुम्हारा धर्म है। बोले कौपुण्य बंत खलु भाग्य बंत वेदांत सूत्रेश सदा रमंतम। सन्यासी का काम है वेदांत सूत्र को रटना, रटो कौपुण्य धारण करो। और वेदांत सूत्र को तुम क्या कभी कभी रोते हो, कभी हंसते हो, क्यों कर रहे हो? देखो महाप्रभु क्या कहते हैं। महाप्रभु कहते हैं बोले गुरु मरे मूर्ख देखी करिल शासन। गुरुदेव मेरे को बोले तुम मूर्ख हो इसलिए तुम्हारे वेदांत ना ही अधिकार, तुम वेदांत पढ़ नहीं सकते हो। लो गुरुदेव मेरे को ये हरिनाम माला दे दिया। बोले हरि का नाम तुम जप करो। महाप्रभु कहते हैं ये हरिनाम करते 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 एक दिन मैंने देखा वृंदावन, साक्षात मेरे को भगवान का वृंदावन धाम देखने को मिला, जहाँ पर यमुना नदी कलकल नाद से बह रही है,
जहाँ पर मयूर मयूर और हाँ कोयल कूकू रहे हैं, मयूर के का कर रहे हैं, और देखा एक कदम वृक्ष है और कदम वृक्ष के नीचे गोविंद देव मीठी मीठी बंसरी बजा रहे और मेरे को बुला रहे हैं, और मैं तो देख करके पागल हो गया और उनको पकड़ने के लिए मैंने दौड़ा, मैंने पकड़ ही लिया था, देखा फिर और कहीं पर खड़े होकर तुम गुलवर को बुलाते। महाप्रभु कहते हैं जब जब मैं ये हरिनाम करता हूँ मैं क्या देखता हूँ, वृंदावन में श्री मदन मोहन जी को कदम वृक्ष के नीचे खड़े लिए देखता हूँ और मेरे को बुलाते रहते हैं। बोले भैया यही तो हरिनाम का फल है, यही तो हरिनाम करने का तो यही फल है, भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि हरिनाम को तुम जप करो दृढ़ विश्वास पूर्वक, हैं हरिनाम को जप करोगे तो ये हरिनाम से तुम्हें सर्व सिद्धि हरिनाम को से मिलेगा। इसलिए एक कोई ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण बड़े कंफ्यूज में था। बोले क्या कंफ्यूज, वो सोचता था जीवन में हमारी क्या कर्तव्य है। कभी कभी हम शंका में पड़ जाते हैं ना, भैया करना तो क्या करना है, कभी कभी सोचते हैं ना हम अभी क्या करनी चाहिए, अभी हम कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, करना क्या चाहिए, और वो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, साधन किया और ये साध्य किया है। कहते उन्होंने बहुत लोगों को इसी विषय पर प्रश्न किया कि जीवन का साधन किया और जीवन का लक्ष्य किया है, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग उत्तर दिया, लेकिन मेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ। मैंने रात को स्वप्न देखा, कोई एक दिव्य महापुरुष आए और बोले देखो कल देखोगे यहाँ पर एक दिव्य महापुरुष आएगा, तुमको ये तुम उनको ही प्रश्न करना, वो सारे प्रश्न का समाधान वही करेंगे। वो कौन थे, सबर देखा, सचमुच से महाप्रभु देखा, श्री चैतन्य महाप्रभु दिखाए हुए, और उन्होंने जब महाप्रभु को देखे, महाप्रभु बोले देखो साध्य साधन जे सब सकल हरिनाम संकीर्तन पाई ले सकल। कहते जीवन का जो साधन है, सबके सब हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा जोर से बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे जीवन में हरि का नाम ही मिलेगा। साधन भी यही और साध्य भी यही है, कृष्ण नाम ही साधन है और जो प्राप्ति है ना कृष्ण नाम, क्योंकि जो कृष्ण नाम और जो कृष्ण है उसमें कोई फर्क नहीं। इसलिए क्या बोले, बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि I'm gonna take it back.
कई युग में पहला कारण आने का जगत में हरिनाम देना चाहते थे। लेकिन भैया कौन सा नाम है? बोले ये हरे कृष्ण महामंत्र। आप बोलो भैया भगवान के तो बहुत सारे नाम है, ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रतिदिन जप करे। बोले देखो हमारी भविष्य पुराण में कलि संतन उपनिषद में नारद पुराण में अलग अलग पुराण में पहले से ही बता दिया है चार युग है। कितना युग है? बोले सत्य युग का लोग कौन सा नाम जप करते थे? बोले नारायण परा वेदा नारायण परा मोक्षा नारायण परा भगति नारायण राम। ये सत्य युग का लोग यही नाम करके संसार से पार हो गए। अभी तृतीय युग आया, बोले तृतीय युग में कौन सा नाम को जप करते थे? बोले राम नारायण अनंत मधुसूदन कृष्ण की सब कर्म सारे हरे वैकुंठ बाबा। तृतीय युग में लोग ये नाम जप करके उदार हो गए। अभी आया द्वापर युग, बोले द्वापर युग का लोग कौन सा नाम करते थे? बोले हरे मुर हरे मधु कैटव हरे गोपाल गोविंद इंद्र मुकुंद सौरे जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु सयमां जगदीश रक्षम। द्वापर युग का लोग ये द्वापर युग का ये महामंत्र है। बोले भैया कलयुग का कौन सा मंत्र है? बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। इसलिए ये शंकर जी ये पार्वती को भी कहते हैं। बोले पार्वती बोले इति ईश्वर सकलांतम कली कलम सनासनम नाक पर तो उपाय सर्व विदेश दृश्य। संकट की कह रहे हैं बोले पार्वती की जो 16 नाम और जो 32 अक्षर है यही नाम ही कलियुग का पाप को नष्ट करने वाले। बोले नाक पर तो उपाय और कोई उपाय नहीं, यही नाम है ये संकट जी कहते हैं। और एक चीज को सुनो, आप लोग देखोगे कोई कोई लोग पहले से ये हरे कृष्ण नहीं बोल करके कोई कोई लोग पहले से हरे राम से शुरू करते हैं। आप देखो भाई बोलते ना हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले क्यों ये हरे राम से क्यों बोलते? बोले भगवान राम तृतीय युग में आए और कृष्ण द्वापर युग में आए, इसलिए पहले इसका नाम पहले होना चाहिए पहले हरे राम कम। इसलिए जो पहले है ये चीज अच्छे तरह समझ लो, दिमाग लगा कर, नहीं तो कोई कुछ पूछ लेगा ना बोल देगा तो चुप हो जाओगे। अच्छे तरह से ध्यान दे रहे हैं ये पहले हरे कृष्ण से क्यों करनी चाहिए पहले हरे राम से क्यों नहीं, अच्छी तरह से समझ लो। कुछ कुछ लोगों का भावना राम से तृतीय युग में आई, पहले राम उसके बाद में कृष्ण आए, इसलिए पहले राम का नाम पहले बाद में कृष्ण का नाम कोई कुछ बोलते हैं ना। इसमें बताए पहला कारण है इष्ट कभी दो नहीं होते हैं, इष्ट एक ही होते हैं। जैसे हनुमान लाल जी इनका इष्ट कौन थे? भगवान राम थे। ये भगवान राम थे इनकी इष्ट है, इसलिए हनुमान जी स्वयं कहते हैं श्रीकांत जानक नाथ अभिन्न परमात्मा ने तथापि मम सर्व राम कमल लोचन। जब उन्होंने बोले कृष्ण को प्रणाम करने के लिए बोले देखो यद्यपि श्री का नाथ कृष्ण है जानक का नाथ राम है लेकिन तत्व तो राम कृष्ण में कोई भेद नहीं, वो एक ही है। द्वापर युग में कृष्ण रूप में और तृतीय युग में राम रूप में आए, यद्यपि वो दोनों एक है लेकिन हनुमान जी कहते हैं लेकिन मेरा जो सब कुछ है बल श्री रामचंद्र रामचंद्र की। जब श्री तुलसीदास मथुरा में आए इनको भी बोले कृष्ण को प्रणाम करने के लिए नहीं, मेरा जो प्रभु रामचंद्र है। तब ये तुलसीदास सिर नवाएगा जब धनुष बाण लियो हाथ,
जब तक आप धनुष दान नहीं करोगे ना, ये तुलसीदास जी आपका चरण में सर नहीं नवा सकता। क्यों? मेरी इष्ट इष्ट जो है ना, क्या मेरे जो इष्ट है भगवान श्री राम, धनुष बाण मेरे इष्ट है। इसलिए तुलसीदास के लिए कृष्ण को धनुष धारण करना पड़ा, क्योंकि कृष्ण मूल है, सर्व अवतारी कारण है, पूर्ण है, इसलिए कृष्ण को धनुष बाण लेना पड़ा, तभी तुलसीदास जी सिर कमाए। देखो और एक कथा सुनो। एक समय द्वारका में गरुड़ जी को भगवान बोले, बोले गरुड़ जी तुम किसकी का जाओ और सिर्फ हनुमान जी को बोलो द्वारका में तुमको रुक्मिणी और कृष्ण स्मरण कर ले। गए गरुड़ जी, बोले आपको द्वारका में कृष्ण रुक्मिणी आपको याद कर रहे। हनुमान सुन करके बोले मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे लिए जाना बहुत कठिन होगा, देखूंगा आऊंगा कि नहीं, ऐसे बाहर होना। वापस चले आए, बोले आपका नाम सुनकर तो आने के लिए तैयार नहीं हुए। इतने में कृष्ण ने बोले देखो गुरु, तुम जाकर के हनुमान जी को बोलो, बोले आपको श्री राम लक्ष्मण सीता आपको याद करो, इतना बोलते। और रुक्मिणी को बोले रुक्मिणी ने काम करो तुम सीता बन जाओ, रुक्मिणी सीता बन गई। और सिर्फ दाऊ भैया को बोले तुम लक्ष्मण बन जाओ, क्योंकि बलदेव प्रभु लक्ष्मण है। इतने थे और कृष्ण भगवान जो कृष्ण थे उन्होंने राम रूप धारण किया। जब गए इस विद्या में बोले आपको राम लक्ष्मण जानकर की याद कर, बोले मेरे को याद कर रहे भगवान, राम मेरे को याद कर रहे हैं, बोले हाँ आपकी याद कर रहे हैं, चलो मेरे पीठ के ऊपर बैठ करके चलो, बोले जरूरत है तो चले जाओ फिर आता हूँ, बोले नहीं मेरे पीठ पर बैठ चलो अब फिर जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा, बोले कोई चिंता मत कर तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। इतने में हनुमान की वायु से भी ज्यादा मन से भी ज्यादा तेज गति से हनुमान आए और उन्होंने देखा राम लक्ष्मण जाकर की और उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद लेकर जब जा रहे थे ना देखा बीच में गरुड़ जी। इतने में बोले गरुड़ जी बोले दर्शन हो गया, दर्शन हो गया। अभी गरुड़ जी आधा रास्ता पर है, मतलब हनुमान इतने तेज बात थे। ये चीज को अच्छे तरह समझो, जो इष्ट है ना, इष्ट कभी दो नहीं होते हैं, इष्ट केवल एक ही होता है। इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र में इसमें जो राम का जो नाम है वो अयोध्यापति दशरथ राम का नाम नहीं है। इसमें जो राम है ना, हम कहते हैं ना जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय क्योंकि इष्ट भी दो नहीं होते हैं, जैसे हरे भगवान हरे कृष्ण, हरे मतलब क्या है, इसका मूल शब्द हरा है और उस संबोधन में हो जाते हैं हरे, बोलते हे राधिके, जो प्रेम से भक्ति से भावना से जो का मन को प्राण को चित्त को जो भरना करती है वो भरा है वो श्री राधा रानी, और संबोधन में हो जाते हैं हरे, बोले हरे कृष्ण मतलब श्री राधे कृष्ण, फिर हरे मतलब राधा रानी, फिर राधा जी सब में राम कहाँ से आए, राधा जी को साथ में, ये एक अर्थीय हो गया। ठीक है, इसलिए जो महामंत्र में केवल राधा कृष्ण का इसमें नाम है। ये दूसरा अर्थ होता है, पहले तो कुछ लोग बोलते हैं भगवान राम आए तृतीय युग कृष्ण आए द्वापर युग में, इसलिए पहले किस क्या होनी चाहिए, पहले हरे राम होनी चाहिए,
बोले नहीं, जो पिछले मंत्र दोनों का मंत्र है, एक मंत्र का एक आ आप किसी रामा रामानंदी संप्रदाय धारा में ये गौड़ीय संप्रदाय में ही महामंत्र है, क्योंकि इनका आराधक राधा कृष्ण गोविंद देव राधा है, इसलिए ये महामंत्र जो हरे कृष्ण से ही ये मंत्र है। किसी विषय को लेकर के कभी शास्त्रार्थ हुई थी, कुछ कुछ लोगों ने बोले नहीं पुराण में हरे राम से बोले कौन सा पुराण में था, लेकिन जयपुर में एक लाइब्रेरी जयपुर में हमारे भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज आए थे और उन्होंने ग्रंथों को यहाँ से ढूंढे ढूंढ आने का पहला कारण क्या हो गया बोलो, कली युग में ये हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए आई, क्योंकि कली युग का जो युग धर्म है ये हरिनाम संकीर्तन, हरि कीर्तन ही कली युग का युग धर्म, ये पहला कारण हो गया। बोले दूसरा कारण क्या है, अरे तुम याद रखना ठीक है, बोले दूसरा कारण क्या है, बोले दूसरा हम जिस कलयुग में आए हैं, ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं है, ये कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते, क्यों, युग का नाम कली, कली मतलब क्या है, झगड़ा लड़ाई, आप देखना बहू बहू के घर में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, बेटे बेटे में लड़ाई, पड़ोस में देखोगे लड़ाई, ऑफिस में भी लड़ाई, अभी देश देश में यूक्रेन रशिया में लड़ाई, इधर भारत चाइना में अमेरिका, अब देखना सब लड़ाई कली युग, इसका नाम कली युग मतलब लड़ाई के बगैर कली युग में कुछ रही नहीं, केवल कलई है और कुछ कली युग में नहीं है, इसलिए कली युग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये कली युग पाप का युग है, लड़ाई का युग है, लेकिन देख ध्यान देकर सुना, लेकिन हम लोग जो कली युग में आए ना, ये कली युग साधारण युग नहीं, ये कली युग का धन्य कली बताया गया, कौन सा कली बताया, अरे जोर से बोलो, धन्य कली, अच्छे तरह से सुनो, क्यों धन्य कली है, ये धन्य कली क्यों है, कहते हर कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, हर द्वापर में ये गोविंद देव नहीं आते, हर तृतीया में रामचंद्र नहीं आते, बोले कब आते, बोले ये ब्रह्मा का एक युग में तभी ये एक बार आते हैं, आप लोग बोलो भैया ब्रह्मा का युग भी कितना, अच्छा तरह से हिसाब लगाओ, ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है, कितना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन, कहते कलयुग का जो परम आयु है 432,000 साल, कितना 432,000 साल ये कलयुग का परम आयु, द्वापर युग का इसका दो गुना कर लो कितना होगा 864,000, तृतीया युग को कलयुग का तीन गुना कर लो कितना होगा 12,00,000, जितना हो गया, हाँ जितना हो गया, और सत्य युग को कलयुग का चार गुण का भी होगा कितना होगा बोलो बोलो बोल बोल के 50,00,000, 70,00,000, इसलिए देखो इसको पूरा एक कट कर दो, एक से एकात्तर जो जो इसको कहते हैं एक महायुग, ये हो गया कि महायुग, आप लोग अपना जीवन कितना धन्य, ये चीज को देखो, ये कलयुग में जो जीव आए हैं ये कितने सौभाग्यशाली, ये चीज को समझो, हम लोग कितने सौभाग्यशाली जो ये कलयुग में जन्म धारण किया, कोई जन्म लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसी कलयुग में देवता लोग भी, देवता की बात छोड़ दो, सत्ययुग का लोग भी, तृतीया युग का लोग भी और द्वापर युग का लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं, ये चीज को समझ लो, क्यों ये जन्म लेना चाहते हैं, इसको ये हो गया कि महायुग, ऐसे एकात्तर महायुग में होता है एक मन्वंतर, जब ऐसे 14 मन्वंतर फिट जाती है तो ब्रह्मा का एक दिन ब्रह्मा का, और जब एक दिन होता है
उसी द्वापर में ही ये गोविंद गवाते कृष्णा के, उसी जो त्रेतया युग आएगा उसी त्रेतया युग में भगवान राम आते हैं, और वो जो कली युग आएगा इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो क्या होता है, बोले अगर तीन तचले चिरा, बोले जो प्रेम को ब्रह्मा का एक दिन पहले जो दुर्लभ प्रेम को दिया था, अभी आ करके महाप्रभु वही प्रेम को फिर प्रदान करते हैं। इसलिए जो प्रेम के लिए हमारी एक प्रेमानंद ठाकुर जी ने एक सुंदर बंगला भजन गाते हैं, हम ये बंगला भजन को गा लेते हैं, आप लोग सुन लो इसका। ये तो बंगला में लेकिन बहुत अच्छा भजन है, बहुत अच्छा भजन है, हम उसका दो तीन लाइन बंगला में गाते हैं, उसका मीनिंग भी आपको बता देंगे। बल देवान गौरवी कोशिश की, इसलिए कृष्ण को गिरिराज उठाना पड़ा।
भगवान कृष्ण को विराज उठाना पड़ा, जैसे ब्रह्मा जी ने किया क्या, बछड़े सखाओं को चोरी करके ले गए, पर भगवान को सृष्टि करना पड़ा, उनको तो कभी याद है। लेकिन महाप्रभु इतने दया देना, भले ही तुम जितने पाप क्यों नहीं किया, जितने पाप क्यों नहीं किया, ये आगे पढ़े तार करे निस्तार, एक बार केवल आए महापुरुष के चरण में केवल का प्रणाम कर लो प्रभु, अपराध हो गया। बोले कोई बात नहीं, एक बार श्री ठाकुर का नाम तुम ले लो, एक बार केवल कृष्ण नाम ले लो, तुम्हारे सारे अपराध तुम्हें मुक्त कर दूंगा, सारे अपराध तुम्हें मुक्त कर दूंगा, उन्हें सारे अपराध को मुक्त कर दिया, प्रेम दे दिया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले ब्रह्मा वीर वांछित प्रिय जगत भगवान हमको शासन किया, ठाकुर जी डांट लगाए शासन किया है, हैं ब्रह्मा जी इंद्र को भी शासन किया भगवान, लेकिन ये ब्रह्मा जो प्रेम के लिए तरसते हैं, माँ लक्ष्मी अभी भी पैर बल में बैठ कर तपस्या कर रही है, उद्धव भी ब्रज में वहां के तीनों कुल को लता बनने की कोशिश करते हैं, ये जो बड़े बड़े देवता लोग जो प्रेम को पाने के लिए अभी भी कठोर तपस्या कर रहे हैं, उद्धव अभी भी बैठे रहते घास भूसा होकर बने हुए, अभी भी माँ लक्ष्मी बेलवन में अभी भी बैठ कर तपस्या करें, क्यों, ये ब्रज में मेरा प्रवेश हो, ब्रज भक्ति हमें मिले, रास में हमें प्रवेश मिले। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का शरण में जो आए, महाप्रभु बोले कुछ भी करने का जरूरत नहीं, ये लोग कठोर पर साधन कर रहे हैं, बोले कलयुग में कुछ भी करने का जरूरत नहीं, भगवान हाथ दिया ना ताली बजा दो, एक बार हरे कृष्ण बोलो जोर से, वो दुर्लभ प्रेम महाप्रभु प्रदान करती है, दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि कलयुग में जब महाप्रभु आए, महाप्रभु का भविष्यवाणी था क्या था, पृथ्वी पे आछे जात नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम, एक दिन ऐसा आएगा गली गलियों में शहर शहर में और गांव गांव में घर घर में सबके सब गले में कंठी और तिलक लगाकर क्या करेंगे, भगवान की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है। इसलिए एक बार प्रभुपाद नाम सुने कि नहीं, प्रभुपाद एक दिन किसने एक बार प्रभुपाद को बोले, बोले प्रभुपाद हम चाहते हैं हर शहर शहर में ना एक गौरी मठ हो जाए, आनंद आ जाए, हर शहर शहर में गौरी। प्रभुपाद क्या बोले जानते हो, बोले शहर शहर की बात किया, मैं तो चाहता हूँ हर ग्राम ग्राम में एक गौरी मठ हो जाए, हर ग्राम ग्राम में गौरी मठ हो जाए। तो वो कहते हैं प्रभुपाद बोले हर गांव गांव में नहीं, मैं तो चाहता हूँ हर घर घर गौरी मठ हो जाए, कहते हर घर घर
कुड़ी में चल जाए। प्रभुपाद कहते हर घर घर में नहीं, मैं चाहता हूँ हर इंसान एक कुड़ी में चल जाए। हर इंसान गौरी मठ मतलब क्या है? हम लोग जो तिलक लगाते हैं ना, ये जो तिलक क्या है? हरि मंदिर है। जब हम ये तिलक लगा लिया, देखो तिलक का बड़ा महत्व, जैसे आप तिलक लगाए ना, आपका जो शरीर ही भगवान के मंदिर हो गया। क्योंकि जो तिलक है ना, इसका इसका तिलक का नाम क्या है? ललाट केशवाय नम, उदर के नारायण, वक्य माधव, कंठे गोविंद। जो बारह जगह पर जो तिलक लगाते हैं, बारह तो ठाकुर का नाम है। ठाकुर जी कहाँ रहते? मंदिर में। और ये जब तिलक लगाया, तुम्हारे शरीर क्या हो गया? मंदिर हो गया। ये भगवान के मंदिर जो तिलक लगाते वही शरीर मंदिर है, वही मंदिर है। इसलिए कहते जिस समय महाप्रभु आए और उन्होंने सर्वत्र ये हरिनाम को प्रचार किया, बोले कपाट हानिल द्वारी, जब महाराज दरवाजा बंद हो गया, उसका दरवाजे कोई नरक नहीं जा रहे थे, सबके सब हरि का नाम ले रहे थे। हरि का नाम लेते सीधा कहाँ जा रहे हैं? भगवान का धाम में। कल बताया ना रूप गोस्वामी ने, क्या बताया? हरि नाम करने पर तीन काम होता है, क्या क्या होता है? अरे बोलो, तुम भूल गए, तुम लोग कथा में कल नहीं थे। तीन काम क्या होता है, कौन बोलेगा? बोलो तो, बोलो। हाँ, अब लोग कोई कथा भी याद नहीं करते हो, ताली बजे इनके माता जी के लिए ताली बजाओ, तुम सभी याद रखते। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो गोविंद देव को जो प्रकाशित किया है, बोले पहला काम है जमपुरी में चित्रगुप्त को जब महाराज बुलाते हैं, बोले रजिस्टर लाओ, उसका नाम को काट दो। बोले क्यों? ये हरि का नाम ले रहा है ना, ये कभी और नरक नहीं आएगा, ये कभी नरक नहीं आएगा। दूसरा काम क्या है? बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाती है, बोले इसका नाम को यहाँ पर लिख दो। बोले क्यों? बोले हरि का नाम ले रहा है ना, अभी सीधा गोलोक वृंदावन आएगा। तीसरा काम क्या है? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आरती का थाला सजाना शुरू कर देते। बोले क्यों? बोले हरि का नाम ले रहा है ना, जब ये भूर भूव मोह जनम, जब सत्य लोक को पार करेगा, मैं उसको आरती उतार। हम लोग ताली नहीं बजाते हरि का नाम ले रहे। इसलिए कहते इतने महिमा जो व्यक्ति भगवान के नाम को जप करते हैं। इसलिए महाप्रभु जगत में आने का एक कारण बताए, बोले अनर्पित चरण चिराग करुणया अवतीर्ण कलौ। बोले जो प्रेम को उन्होंने ब्रह्मा का एक दिन पहले जो प्रेम को दिया था, महाप्रभु आकर के अभी उन्होंने वही दुर्लभ प्रेम को जगत में जीवों को प्रदान करना चाहते महाप्रभु है। इसलिए करुणयाव तीर्ण कलो, उनने कलियुग में बड़े दयापूर्वक कलियुग में इसी जगत में आकर के क्या किए? बोले हरि पुरट सुंदर धूती कदम बसंदीपित, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। बोले हमारी जो हृदय रूपी कंदरा में कौन प्रकट हो? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु, जो सच्ची माँ की जो बेटा है, इसलिए उनको माँ का नाम सची थी, वो श्री महाप्रभु हमारे हृदय प्रकट हो। बोले सचिनंदन नाम क्यों नहीं दिया? बोले कारण है, अगर माँ की गुण अगर बेटे में आता है ना, वो बेटे को बड़े सौभाग्य मानी जाती है। बोले माँ की क्या गुण है? तब हमारे टीकाकार लोग कहते हैं, जब कृष्ण ब्रज में मक्खन चोरी की, आप सुने होंगे जब दधी मटकी फोड़े, जब उन्होंने मक्खन चोरी की, मैया ने क्या किया? कृष्ण को उखल में बांध दिया था, हैं, उखल में बांध दिया था। लेकिन जब महाप्रभु एक समय महाप्रभु रोज स्कूल पढ़ने जाते थे, जब स्कूल से वापस आते थे महाप्रभु गंगा में नहाने जाते थे। जब नहाने जाते थे गंगा पूजा के लिए धूप दीप नैवेद्य फूल ये सब लेकर के जाते थे। एक दिन महाप्रभु आए स्कूल से वापस आए, बोले माँ दो गंगा की पूजा की सामग्री दो, मैं गंगा पूजा करूंगा और मैं स्नान करके आऊंगा। मैया बोली लाला थोड़ी सी रुक जा मैं ले ला रहा। बोले रुक जा, अभी भी तुमने तैयारी नहीं किया, मैं स्कूल से आ गया। महाप्रभु उठाया डंडा, उठा करके जितने मटकी फटकी थी ना, जितने पहले तो मिट्टी के हाड़ी में सब के सब रसोई बनती थी, मिट्टी के पात्र सब फोड़ फाड़ दिया महाप्रभु ने। और फोड़ फाड़ करके डंडा लेकर के ना जमीन के ऊपर मारने लगी।
और लास्ट में जमीन के ऊपर लौट पोट उठाने लग गई। लेकिन इतना कुछ करने पर भी मैया सची कृष्ण को महाप्रभु को कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप एक कोड़े में खड़े हुए। लेकिन जब ये सब कर लिया ना, मैया कह रही बोले लाला तुमने किसकी बर्बाद किया है, किसकी नुकसान, अपना घर के नुकसान की ना। अभी रोज जिसे हाड़ी में ठाकुर जी की रसोई बनती थी, अभी कहाँ से लाए, खरीद करके लाना पड़ेगा ना, इसलिए तुमने इस काम क्यों। लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन कृष्ण जब थोड़ी मक्खन चोरी की है, थोड़ा मटकी फोड़ी, मिट्टी खाई, मैया ने क्या किया, सीधा कृष्ण का कान को पकड़े हैं। फिर जब कृष्ण ने मटकी फोड़ी, सीधा मैया ने उखल में बांध दिए, कृष्ण को उखल में बांध दिए। लेकिन यहाँ पर कहते माँ जसोदा से भी जो सच्ची माँ है उससे भी ज्यादा दयालु ये सच्ची माँ है। इसलिए कहते अगर माँ की गुण अगर बेटा में आए, माँ की जो चेहरा अगर बेटे में आए ना, वो बेटा सौभाग्यवान होता है। अगर बाप की जो चेहरा अगर लड़की में आए, वो लड़की को सौभाग्यवान मानी जाती है। इसलिए कहते ऐसे जो सच्ची माँ जो बड़ी दयालु और उनकी गुण श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर में आए, इसलिए ऐसे जो दयालु श्री चैतन्य महाप्रभु क्या हो, एक दिन मेरे हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित हो जाए, हैं मतलब मेरे हृदय में महाप्रभु का प्रादुर्भूत हो और हमारे हृदय रूपी जो कंदरा, कंदरा मतलब जो अंधकार है, जब महाप्रभु हृदय में प्रकाशित होंगे क्या होगा, सबके सब अपने आप उजाला हो जाएगा, हैं अंधेरा अंधकार दूर हो जाएगा। इसलिए इसका दूसरा कारण है महाप्रभु आने का, वो जो दुर्लभ प्रेम जिसको ब्रह्मा शंकर मानते हैं, वो जो ब्रज प्रेम है, कल हम सुन रहे थे ना शंकर जी पार्वती क्या बताए, उन्होंने ये बताए जो वृंदावन धाम प्रवेश करना साधारण बात नहीं, लेकिन ये वृंदावन धाम में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, इससे सरल उपाय है गोपियों की अनुगत्य करो। लेकिन गोपियों का अनुगत्य भी दुर्लभ है, क्योंकि शंकर जी गोपी बनकर भी आए वृंदावन में, गोपीश्वर महादेव बनकर के आए, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन अगर कोई ब्रज प्रेम में प्रवेश करना चाहते क्या करो, एक बार श्री नवद्वीप धाम में जाओ, नवद्वीप धाम में जा करके वहाँ की धाम को परिक्रमा करो, वहाँ की जमीन में लौट पोट उठाओ, वहाँ का धूल अगर शरीर में लगाएंगे तो बस अपने आप ब्रज प्रेम में तुम्हारी प्रवेश हो जाएगा। वृंदावन धाम में आसानी से तुम प्रवेश पाओगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही वो ब्रज प्रेम हमें प्राप्त हो सकता है। जिन ब्रजवासियों को प्रेम में भगवान कृष्ण संपूर्ण रूप में बसीभूत है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर भजन गालो, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। कहते महाप्रभु आने का ये दूसरा कारण है, ठीक है, बोले महाप्रभु आने का ये तीसरा कारण क्या है, बोले तीसरा कारण बताए महाप्रभु आने का, महाप्रभु आने से पहले श्री अद्वैत आचार्य आए भजन का लिखे, तुम क्या कर रहे हो, हाँ सो रहे हो, अभी एक गाय हरी बोलो की जय, राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन मोहन जो की जय। ओ मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, गाना रे बसा लो वृंदावन।
साधारण कारण गौण कारण है कहते श्री अद्वैताचार्य। ये कौन है अद्वैताचार्य? कहते ये सदाशिव है, ये महाविष्णु सदाशिव है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु आने से पहले ये अद्वैताचार्य है। जैसे कृष्ण आने से पहले उनको पिता माता आ जाते हैं, रामचंद्र आने से पहले पिता माता आते हैं। कहते ये अद्वैताचार्य, इनका एक नाम है गौर आना ठाकुर, मतलब जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को जगत में अवतीर्ण कराया। इसलिए हम लोग एक भजन गाते हैं, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाए। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मिले, इसलिए इनको और एक भजन में कहते हैं, होड़ो होड़ो शब्दे आइला श्री अद्वैत चंद्र चल रस धराता है राय रामानंद। जो एक मुख्य में जो गौण कारण है श्री अद्वैताचार्य। बोले क्या हुआ? जब श्री अद्वैताचार्य आए, उन्होंने क्या जगत देखा, जगत में तो भगवान आने वाले हैं, इसलिए पहले तो ये नवद्वीप जो धाम है, बोले नवद्वीप है न धाम त्रिभुवन नाही जहाँ अवतीर्ण है चैतन्य गोसाई। कहते श्री नवद्वीप धाम जैसे दुनिया में ऐसे कोई धाम है नहीं, सर्वश्रेष्ठ धाम
क्यों? जहां पर श्री सच्चिदानंदन गौर हरि जिस धाम में प्रकटित हुए हैं। लेकिन जब अद्वैत आचार्य आए, जगत का क्या अवस्था देखा, देखा सारे विश्व हरि चंडी की उपासना करते हैं और बलि बकरा का बलि चढ़ाते हैं, शराब पीते हैं। अभी भी नवद्वीप जाओगे ना, जैसे कि यहाँ कृष्ण का रास होता है ना वृंदावन में, वहाँ काली का रास करवाते। कोई एक कृष्णचंद्र राजा थे, जब देखा वैष्णव लोग कृष्ण का रास कराते, बोले हम काली माँ का भी रास कराए, और शराब पी करके मांस खा करके पता नहीं कितने पैसा चांदा लेकर के क्या उल्टा पुल्टा, उसी दिन तो पूरा घर द्वार बंद रहता है, सब रास्ता रोड बंद, क्यों? शराब पी करके। और क्या बिल्ला बिल्लियों की शादी करके करोड़ रुपया वहीं खर्चा करते हैं, कुत्ता कुत्तियों की शादी करवाते हैं। जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो गीता भागवत तो पढ़ते हैं, लेकिन केवल आपस आपस में लड़ाई झगड़ा, केवल तर्क वितर्क केवल करते हैं और कुछ नहीं। जो ज्ञानी पंडित विद्वान लोग भी है, जो आने वाले गिने वाले लोग का कोई भी हरि का नाम कोई नहीं लेते हैं, लेकिन इस समस्त शास्त्र का तात्पर्य क्या है? अगर हम सारे शास्त्रों को अगर मंथन करें तो उसमें घी क्या निकलेगा? ये हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए बोले इतत निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकूत भयम जोगिनाम नृपन निर्मित हरे नामानुकीर्तनम। समस्त शास्त्र का अगर निचोड़ अगर लेंगे तो ये हरि का नाम है। अगर हमने सारे शास्त्र पढ़ लिया, हरि नाम नहीं करते हैं, बेकार, तुम्हारे सब कुछ पढ़ाई बेकार। लेकिन भले ही तुमने कोई भी शास्त्र नहीं पढ़े हो, लेकिन तुम भगवान के नाम लेते हो, हरि का नाम लेते हो, मतलब तुमने सारे शास्त्र को तुमने पढ़ लिया, सारे शास्त्र तुमने पढ़ लिया हैं इसलिए। लेकिन वहाँ शास्त्र पढ़े हुए हैं, गीता रामायण भागवत पढ़ते हैं, लेकिन कोई हरि का नाम कोई नहीं लेते हैं, भगवान का कीर्तन कोई नहीं करते हैं। इसलिए ये सब स्थितियों को देख करके हमारे अद्वैत आचार्य बड़े दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? ये दुखी क्यों हो गए अद्वैत आचार्य? कारण है ये अद्वैत आचार्य सदाशिव महाविष्णु, जो महाविष्णु से ही ये जगत सृष्टि होता है। नियम है, जैसे कोई पिता माता बच्चे को जन्म देते हैं, हैं? किसी बच्चे को पिता माता जन्म देते हैं, लेकिन जब जन्म देते हैं इनका कर्तव्य क्या है? बच्चों को पालन करना कर्तव्य है, लेकिन उनको पालन कैसे करेंगे? हरि भक्ति दे करके, हरि की भक्ति दे करके पालन, सही पालन होता है। इसलिए उन्होंने जगत को तो सृष्टि किया है, सृष्टि तो किया जगत को, लेकिन लोग व्यवहार की विषय की रस में डूबे हुए, कोई भी हरि की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान की भजन नहीं करते हैं। इसको देख करके अगर कोई तुम्हारी बेटा हैं, अगर कोई बेटा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा और काम धाम नहीं करेगा, पिता माता दुखी रहेंगे ना, इसको हमने जन्म दिया इसका जीवन जो बेकार हो गया, इसलिए पिता माता दुखी रहते हैं। कहते उसी तरह अद्वैत आचार्य सदाशिव है, सृष्टि करने वाले, लेकिन ये कब ये खुश रहेंगे? वो तभी खुश रहेंगे जब बच्चे खुश हो, और बच्चे को जब सही रास्ता पर लगाए, बच्चे का सही मार्ग किया, बोले भगवान की भक्ति, भगवान की भजन है। बच्चे अगर भगवान की भक्ति करते हैं तब ये अद्वैत आचार्य जीवन में सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते। क्यों? सृष्टि करने का हमारी सार्थकता हो गया, ये बच्चे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन कोई भगवान की भक्ति नहीं, चंडी देवी पूजा बिल्ला बिल्लियों की शादी, कुत्ता कुत्तियों की शादी में करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, इसलिए वो बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के और एक कारण है, ये अद्वैत आचार्य सदाशिव, ये महाविष्णु कलियुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन प्रचार करना, इनकी समर्थ है। कलियुग में ये हरिनाम संकीर्तन को प्रचार कर सकते हैं, लेकिन अद्वैत आचार्य देखा ये जो कलियुग है, ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं, ये धन्य कलियुग है। क्योंकि जिस धन्य कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आने वाले, इसलिए हमारे लोचन दास ठाकुर एक भजन गाते हैं, बोले के जा भी रे भाई भव सिंधु पार। कौन चाहता है भवसागर से पार होकर के गोलोक वृंदावन, कौन जाना चाहते हैं? हाथ उठा सबके सब, अब तो बहुत अच्छे हो, सब चाहते हो जाना, लेकिन कहते धन्य कलि युगेर चैतन्य अवतार। ये धन्य कलि युग में श्री
सचिनंदन गौर हरि कलि युग में आए हैं। बोले भैया इसमें नाव किया है, जैसे नदी पार करना, बोले नाव किया, बोले हरि नामेरे नौका खानी श्री गुरु कांडारी। कहते जो हरि नाम है यही नाव है, लेकिन वो नाव को चलाने वाले कौन? बोले सदगुरु। ये सदगुरु नाव को चलाने वाले, और महाप्रभु का जो कृपा है ये हवा है। और जिस कहते भैया उसमें बैठने के लिए कोई पैसा की जरूरत है ना, जैसे नाव में बैठो कुछ पैसा की जरूरत है कि नहीं? बोले पैसा पैसा की जरूरत है नहीं, हाँ एक ही पैसा जरूरत, श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा चाहिए। बोले भैया उसमें पार कौन हो गए? बोले जड़ अंध आतुर अवधि पार है, लंगड़े लूढ़े काने कोई भी हो, बस वो नाव केवल बैठ जाओ। मतलब क्या है? बोले महाप्रभु की भक्ति करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं, ये गुण हो तभी कोई भक्ति कर सकते। बोले कोई गुण की जरूरत नहीं, एक गुण चाहिए, केवल श्रद्धा चाहिए, केवल तुम्हारी अंदर में श्रद्धा भक्ति और किसी चीज की जरूरत नहीं, और सब के सब भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य जी ने देखा ये धन्य कल युग है, ये ब्रह्मा शंकर जो प्रेम को तरसते हैं, केवल मेरे प्रभु अगर श्री सचिनंदन गौर हरि अगर आएंगे तभी ये प्रेम को वही दे सकते हैं, वो प्रेम को मैं नहीं दे सकता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, समस्त शास्त्र को उन्होंने ढूंढा, ऐसे कौन सा उपाय है इसी जगत में भगवान जल्दी से जल्दी जगत में प्रकट हो जाए, ऐसे कोई उपाय है? तो उन्होंने समस्त शास्त्र को ढूंढते ढूंढते उनको शास्त्र में एक श्लोक मिला है, बोले तुलसी जल मात्रेण है तलस्य चुलकटवा विकृणित स आत्मन्य भक्तव्य भक्तवत्सल। इसलिए पुराण में इनका एक श्लोक मिला है, कहते अगर कोई व्यक्ति एक अंजलि एक गंडूस गंगा पानी ले लो, ध्यान देखो सुनो, कोई एक गंडूस गंगा पानी ले लो उसमें तुलसी पत्ता दे दो, तुलसी पत्ता दे करके अगर कोई व्यक्ति भगवान को अर्पण करता है, भगवान कहते हैं मैं उनका प्रेम में इतने वशीभूत हो जाता हूँ, उनको ऋणी से उऋणी बनने के लिए मैंने सर खुजलाना शुरू करता हूँ। एक व्यक्ति कम से सर खुजलाता है, बहुत ज़्यादा ऋणी अब हो जाए, इतना ऋणी ग्रस्त हो जाओ आपके पास में कोई पैसा नहीं, बहुत ऋणी ग्रस्त हो गए, फिर क्या करते हो? सोचते भैया इसका ऋणी से कैसे चुकाऊँ, इसका ऋणी कैसे चुकाऊँ, है ना, ऋणी चुकाओ। कहते भैया गंगा पानी तुलसी में इतने शक्ति है, अगर ये दो चीज अगर ठाकुर को कोई दे देना, भगवान कहते हैं इसका ऋणी से उऋणी भरने के लिए मैं अपना सर खुजलाना शुरू कर देता हूँ, उसका ऋणी से कैसे उऋणी होगा, मतलब इतने शक्ति ये गंगा पानी और तुलसी में इतने शक्ति। इसलिए जो गंगा पानी ये साधारण वस्तु नहीं, तभी तो शंकर जी जटा में धारण किए ना, शंकर जी जटा में धारण किए गंगा पानी किया है, जब वामन भगवान की एक चरण ब्रह्मांड कटाह को भेद किया है, जब ब्रह्मलोक में पहुंचा ब्रह्मांड कटाह फट करके ये गंगा प्रकट हुई, वह ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के चरण को उन्होंने अभिषेक करके कमंडल में जो रख लिया ये गंगा पानी है। ये गंगा पानी कोई साधारण नहीं, एक छोटी सी कहानी सुन लो, गुरुदेव सुनाया करते थे ये गंगा पानी की कितने पवित्रता है, ये गंगा के पानी की छोड़ दो गंगा किनारे में जो मिट्टी है इसकी कितने पवित्रता है। गुरुदेव कहते थे बोले एक समय कोई एक तांत्रिक जो भूत को छुड़ाता है, कहिए कि जा रहा था रात में, देखा भूतों का शादी हो रही, बड़े बैंड पार्टी बजा बज रहा है, खूब नाच गान कर रहे हैं। वो तांत्रिक था, वो एक भूत को बुलाया, बोले इधर आ। बोले क्या बात है? बोले हमारी पास में एक लड़की वो कुंवारी है, कल एक व्यक्ति मरेगा, अपमृत्यु होगा, अपमृत्यु होने पर प्रेत बनते हैं। बोले कैसे मरेगा? बोले दो साढ़ में लड़ाई होगी, जब लड़ाई होता आप देखना साढ़ में जब लड़ाई होता ना सहज में छोड़ना नहीं चाहते, एक नवजवान दोनों साढ़ की लड़ाई को उसको हटाने के लिए जाएंगी, वो साढ़ बड़े गुस्से में रहे होंगे, इतने में उसका पेट में ऐसे मारेगा, पेट फाड़ देगा,
वो मरेगा तो वही प्रेत बन करके आएगा कल, और हमारी घर में एक कुंवारी लड़की वो भी प्रेत बनी हुई, कल शादी होगा, इसलिए हम बैंड बैंड बाजा बजा कर आनंद ले रहे। मतलब ये भूतों को सबसे पहले पता चलता है। उन्होंने बोले, और उन्होंने पता लगाया, सचमुच से पता लगाया ना, ठीक वही स्थान पर ये घटना घटी है। जब घटना घटी फिर दूसरे दिन वो जब तांत्रिक जा रहा था, देखा वो सबके सब भूत बैठ करके रो रहे थे। तो उन्होंने फिर वो भूत को बोले, इधर तुम तो बोल रहे थे कल शादी होगा और कल इतना बैंड बैंड बजा बजा आनंद कर रहे थे, रो रहे थे। बोले एक अनहोनी होगी। बोले क्या होगी आप देखना। बोले मैं तो पता लगाया, दोनों शहर में लड़ाई हुई, एक जवान छुड़ाने के लिए गया तो मर गया, अनहोनी क्या हो गया। आप लोग देखे होंगे सार की सींग में जो खुजली मचती है वो क्या करती है, मिट्टी को कुतरता है। देखे होंगे ना, सींग से मिट्टी को कुतरता है। वो गंगा किनारा में वो सार ने सींग से मिट्टी को उन्होंने कुतरा किया, तो खुदा तो उसका सींग में वो गंगा का जो रज है, गंगा की जो रज लगा हुआ था, जब वो सार ने उसको मारा तो है, लेकिन अंतिम समय में गंगा का जो रज धूल था उसको शरीर पर लगते ही वो प्रेतात्मा किया, वो भगवान की भक्त बनकर सीधा वैकुंठ चला गया, वो वैकुंठ चला गया। इसलिए हम रो रहे हैं, हमारा जो दामाद बनने वाला था मर गया है। इसलिए गुरु जी कहते थे, देखो गंगा पानी में तो इतने पवित्रता है, लेकिन गंगा की रज भी अगर किसको शरीर पर लग जाए ना, इसलिए हमारे भारत में क्या करते हैं, मरते समय मुंह में गंगा पानी देते हैं। गुरुदेव और एक कथा सुनाते थे। बोले एक समय गौरव जी जा रहे थे, जाते समय गंगा किनारा में एक सांप ने अपना बील को ऊपर में मुंह निकाल कर देख रहा था। इतने में गरुड़ जी जा रहे थे और झपटा मारा, गरुड़ का हाथ सांप है, वो झपटा मारा, झपटा मार करके जब वो सांप को निकाला बील से, निकलते ही उसको प्राण छूट गई। प्राण छूटते ही अंतिम समय इसका जो पूछ है ना, ये पूछ केवल गंगा पानी को टच कर दिया। टच करते ही वो इतने में वो जो सांप था ना, उसने चतुर्भुज धारण कर दिया। शंख चक्र गदा पद्म, क्यों, वैकुंठ के सारे परिकर चतुर्भुज होते हैं। इतने में उसने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। कभी गरुड़ जी उसको भोजन क्या करेगा, उसको कंधे पर बैठा करके वैकुंठ ले जाना पड़ा, उसको वैकुंठ ले जाना पड़ा। गुरु जी कहते थे, इसलिए हमारे भारत में क्या करते हैं, मरते समय मुंह में गंगा पानी देते, इतने पवित्रता गंगा पानी की। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर के जा रहे थे, जाते समय उन्होंने हरि का नाम कहीं नहीं सुना, लेकिन जब एक स्थान पर गया, देखा कुछ जो ग्वाल या जो गैया को चराते हैं, हरि बोल बोल वृंदावन बिहारी लाल की, देखा ओ हरि बोल कर रहा था। महाप्रभु बोले, मैं इतने दूर तक आया, अभी तक हरि का नाम कहीं नहीं सुना, लेकिन यहाँ पर बच्चों का मुंह से हरि का नाम कैसे आया। महाप्रभु बड़े आश्चर्य हुए, देखा पास में गंगा बह रही है, ये गंगा की हवा अगर जाए, गंगा की पानी अगर, गंगा की हवा भी कहीं अगर लग जाए किसी शरीर में, उसके हृदय में भी भगवान की प्रेम को जगा देता है। इतने महिमा गंगा पानी की। और जो तुलसी, आप तो जानते हो तुलसी देवी की कितने महिमा है, हम रोज कहते ना, वृंदा तुलसी देवी प्रिया केशव से च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमः। ये भगवान की प्रेम को भक्ति देने वाले। बोले भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य वृंदे नमस्ते चरणारविंद। इसलिए हमारे जीवन में जितने अपराध है, सारे अपराध को माफ करके अगर गोविंद चरण में, मदन मोहन का चरण में भक्ति देने वाले तुलसी हो। कहते राधा रानी कैसे कृष्ण को प्राप्त किए, गर्ग संहिता में आती है कि राधा रानी स्वयं
रोज ये वृंदा देवी की पूजा करती थी, आरती उतारती थी, वृंदा में पानी देती थी, वृंदा की परिक्रमा कर तुलसी, इसलिए वृंदा देवी की कृपा से कहते राधा रानी को गोविंद मिले, राधा रानी को गोविंद मिले। यद्यपि राधा रानी मूल वृंदा है राधा रानी, लेकिन तब भी लीला करके दिखाते हैं, बोले तुलसी की कृपा के बगैर कोई भी कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए क्या करनी चाहिए, रोज तुलसी में पानी देना, अनेक आरती उतारना, परिक्रमा करनी चाहिए तुलसी। इसलिए तुलसी बोले आठ तरह से कल्याण करती है, कितने तरह से बोले दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता है, बोले दृष्टा अगर कोई तुलसी को दर्शन कर लिया तभी कल्याण है, स्पिरिट से अगर कोई स्पर्श कर लिया जैसे गले में कंठी धारण करते हैं है? इसका भी बड़े महत्व है। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता अगर कोई तुलसी को ध्यान करते हैं, रोपिता अगर कोई तुलसी वृक्ष को अगर कोई रोपण करे, जो तुलसी वृक्ष बोते हैं ना माने हृदय में कृष्ण भक्ति बीज को बोते हो, रोपिता सेविता जो तुलसी में पानी देते हैं सेवा करते हैं है? रोपिता सेविता नित्यम तुलसी शुभा, कहती है तुलसी आठ तरह से जीव का कल्याण करते हैं। इसलिए जब कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण हुआ है, सूर्य ग्रहण में वहाँ पर नियम है, जब सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र कोई गए हो, कौन कौन गए, वहाँ ब्रह्म हृदय, और जो ब्रह्म हृदय में नियम है वहाँ पर ब्रह्म हृदय में सूर्य ग्रहण को बाद में ब्रह्म हृदय में नहा करके सब साधु संतों को दान देनी चाहिए। भगवान कृष्ण भी ब्रजवासी भी आए थे, इतने में नारद जी बोले रुक्मिणी सत्यभामा को बोले देखो नियम है वो सूर्य ग्रहण को बाद में ब्रह्म हृदय में स्नान करके ब्रह्म हृदय में साधु संतों को दान देनी चाहिए। घटिया चीज नहीं, ऐसे नहीं जो नोट चलता नहीं वो नोट लेकर के ठाकुर जी बक्से में डाल दे, ये चलता नहीं नहीं, सबसे बढ़िया चीज ही संतों को दान देनी चाहिए। अभी सत्यभामा बोली नारद जी संत उनको दान देनी चाहिए ब्रह्म हृदय में, बोले सबसे बढ़िया चीज तो हमारी कृष्ण है, हम तो गोविंद देव को मदन मोहन को कृष्ण को ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो वही चीज देनी चाहिए। बोले ठीक है दान दो, संकल्प करके नारद जी को दान दे दिया। जब दान दे दिया इतने में नारद जी बोले देखो तुम लोगों ने कृष्ण को दान दिया, अभी मैं तुम संत हूँ और संतों का जो दान दिया मेरा चेला हो गया, मेरे चेला में भी संत, इसको भी मुड़ मुड़ा करके चोटी रख करके इसको भी गौरी की वस्त्र पहना करके हम तो इसको ले जा रहे हैं बाबा बना करके। बोले नहीं नहीं कृष्ण के बगैर तो हम प्राण ही रक्षा नहीं कर सकते। बोले तुम लोगों ने मेरे को दान दिया, बोले आपको तो कृष्ण को नहीं दे सकते, बोले आपसे दोबारा कैसे ले सकते हैं। बोले एक उपाय है, कृष्ण को तराज में बैठा करके उनकी भोजन का अगर सोना अगर दान दे दोगे ना फिर तो हम कृष्ण को वापस दे सकते हैं। बोले हाँ ये कर सकते हैं। एक तराजू मंगवाया, गोविंद देव को एक तरफ में बैठाया, पहले माताएं है ना पूरा शरीर में कितने अलंकार पहना करते थे, सत्यभामा ने सारे अलंकार उतार करके तराजू पर रख दिया, लेकिन गोविंद देव के साथ में कोई सोना चांदी थोड़ी बराबर हो सकता है, जो विश्व ब्रह्म वो टस से बस भी नहीं हुए। इतने में सत्यभामा इधर उधर झांकने लगी, रुक्मिणी समझ गई, इतने में रुक्मिणी भी सारे अलंकार उतार करके रख लिया, लेकिन कृष्ण टस से बस नहीं हुए। इतने में कालिंदी मित्र बिंदा कृष्ण की 16108 पटरानियां सारे अलंकार को उतार कर रख दिए, लेकिन कृष्ण किसी से टस मस नहीं। नारद बोले भैया मैं तो अपना चेले को ले चलूंगा, अभी मेरा चेला है कृष्ण। बोले नहीं, बोले क्या करनी चाहिए, बोले पता चला यहाँ पर श्री राधा रानी भी आई है, बोले राधा रानी की शरण में जाओ। जब राधा रानी की शरण में गए इतने में राधा रानी आई, बोले एक तुलसी पत्ता ले आ, एक तुलसी पत्ता ले आए। इतने में राधा रानी अपना आंखों का आंसू से प्रेम से उन्होंने तुलसी पत्ते के ऊपर में कृष्ण नाम को लिख दिया, और कृष्ण नाम को लिख करके बोले सारे सोना चांदी गहना को सब निकालो। निकाल करके जब उन्होंने एक तरफ में वो तुलसी दल रखा है ना, कृष्ण तो अपने आप हल्का हो गए, अपने आप हल्का हो गए, और उधर का जो पल्ला भारी हो गए,
मतलब जो कृष्ण नाम है और जो तुलसी है इतनी नौ इसमें महिमा, जहां पर कृष्ण भी जहां पर हल्का हो जाते हैं। और ये तुलसी देवी क्या करती है, इनका जो निशांत लीला है, राधा कृष्ण की जो निकुंज का जो लीला है, उनकी जो श्रृंगार रस का लीला है, यही वृंदा देवी जब राधा कृष्ण निभृत निकुंज कुंज में सोए हुए सवेरे अभी राधा रानी को जापट जाना, कृष्ण नंदगांव भी जाना, कौन जगाता है वृंदा देवी? उनके लिए कुंज कौन बनाती है? राधा रानी, वृंदा देवी। राधा कृष्ण को मिलन कराती है राधा रानी, ये वृंदा देवी। सारे इनका जो निभृत निकुंज का लीला पुष्टि करने वाले वृंदा देवी। इसलिए इसलिए इनकी कृपा के बगैर है ना जीव को ये प्रवेश, राधा कृष्ण की लीला में जीव को प्रवेश नहीं। कृष्ण कभी कभी वृंदा देवी को कंधे पर बैठा के ले जाते हैं, कृष्ण भी इनको कंधे पर बैठा के ले जाते हैं वृंदा देवी को। इसलिए कि जो गंगा पानी और वृंदा देवी, इसलिए अद्वैत आचार्य ने किया क्या, उन्होंने हाथों में गंगा पानी और उन्हें तुलसी पत्ता को लेकर के उन्होंने हृदय से भगवान को अर्पण किया। इसलिए महाप्रभु कहते हैं सुतिया अच्छिन्न खीर समुद्र सागर है निद्रा भंग हैल मर नाराधाम करे। महाप्रभु कहते मैं सो रहा था कहाँ पर, गोलक वृंदावन में मैं सो रहा था, लेकिन ये अद्वैत आचार्य ने किया कि गंगा पानी और ये तुलसी पत्ता दे करके मेरे को पुकारा तो मेरे आसन हिल गया। इसलिए महाप्रभु इनको कहते थे नाड़ा। नाड़ा मतलब क्या है, जो भगवान का आसन को भी जो हिला दिया, ठाकुर जी को भी जिसने हिला दिया है। इसलिए महाप्रभु जगत में आने का जो कारण है श्री अद्वैत आचार्य हैं। बोले श्री अद्वैत आचार्य की, बोले सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए कहते जगत में आने का इनकी ये तीसरा कारण है। बोले चौथा कारण किया है, बोले चौथा कारण बताए, बोले राधाया प्रणम महिमा की दृश्यम जेन अद्भुत मधुरी माम बदियम। इसलिए कृष्ण जब उन्होंने वृंदावन में आए, ठाकुर जी समस्त लीलाओं को उन्होंने वृंदावन में की, सारे रस को उन्होंने आस्वादन किया। आस्वादन करते हुए जब चले गए गोलक वृंदावन में, एक दिन गोलक वृंदावन में राधा कृष्ण निकुंज में बैठे हुए बैठ करके कृष्ण सोच रहे हैं, बोले मेरे मन में जो कुछ इच्छा थी मैंने सारी इच्छाओं को मैंने पूरी की, मैं भगवान होकर के भी सखाओं का सखा बन गया, भगवान होकर के भी मैंने घोड़ा बना है। अगर कभी श्री राम कृष्ण में लड़ाई हो जाए ना, कभी अगर उनको खेल हो, कृष्ण अगर हार गए तो कृष्ण कहते मैं कभी घोड़ा बनता हूँ और श्री राम को कंधे पर बैठा कर ले जाता हूँ। भगवान होकर के ब्रज गोपियों को घर घर में मैंने मक्खन चोरी की, और अगर कभी मक्खन खाया तो मैया ने पूछा तेने मक्खन खाई, माँ की डर से कृष्ण क्या कहते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही माँ खायो करके झूठ बोल देता हूँ। मिट्टी खाए कृष्णा, सुधा मैया कान पकड़ी, बोले चोर चोटे घर में क्या मक्खन मिश्री कमी, अभी तक हम सुन रहा था तो मक्खन चोरी चोरी कर खाता, मिट्टी खाना शुरू कर दिया, घर में क्या मक्खन की कमी? कृष्ण क्या बोले, बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले सखा लोग कह रहे, बोले भैया आज कहा हुए तेरे को पता है, बोले कहा भयो, बोले ये सखा लोग घर से
लड्डू मालपुआ कचौड़ी ये सब चोरी चोरी करके लाते हैं। भैया तेरे को पता हो मैं चोरी का चीज खाता नहीं। भैया बोले अच्छा तरह से मैं जानती होती क्या करता नहीं करता। और मेरे को जोर जबरदस्ती खाने के लिए बोले, मैंने खाया नहीं, समझ गए हमारे घर में चुगली कर देगा, खाया तो है नहीं। और मैं चुगली करने से पहले हमारे नाम पर इसलिए चुगली करती सखावत। इसलिए कृष्ण डर को मारे कृष्ण, कभी कभी कृष्ण झूठ बोल देते हैं मैया से, डर के कृष्ण झूठ बोलना भगवान बोल देते हैं। और उखल में भी बंधना स्वीकार हमने किया है, हैं ये रस मैंने आस्वादन की बात्सल रस को। फिर अगर राधा रानी कभी मान कर लेती है, जब राधा रानी मान करती है कृष्ण क्या करते हैं उनको मनाने के लिए, इनकी राधा रानी के चरण में मौर मुकुट उतार कर रख देते। बोले राधे मान तो जाओ। बोले मौर मुकुट क्यों रखते हैं, कारण क्या? बोले मयूर जो नृत्य है ना, बड़ा सुंदर नृत्य है, इसलिए कृष्ण इसीलिए मयूर मुकुट धारण करते हैं, क्योंकि जगत में सबसे सुंदर नाचने वाला मैं हूँ। इसलिए कृष्ण का एक नाम नटवर है। क्या नाम है? बोले शंकर जी का एक नाम है नटराज, नटराज। सारे नृत्य करने में राजा है, लेकिन कृष्ण का नाम क्या है? नटवर, मतलब नट मतलब शंकर, वर मतलब पति, शंकर का भी पति है। बोले भैया शंकर का पति कब हुए? बोले जब कृष्ण रास रचाए शंकर गोपी बनकर गए थे, तब शंकर जब गोपी बने गोपियों का पति कौन हो गए? अब बोलो गोपियों का पति कौन हुए? शंकर जी कृष्ण हो गए ना, इसलिए इनका नाम नटवर। दूसरा कारण है कृष्ण कहते हैं जितने सारे नाचने वालों में मैं सर्वश्रेष्ठ नृत्यकार हूँ। इसलिए बड़े बड़े नृत्यकार देखे होंगे, हैं नृत्यकार, बोले कोई गिलासिया के ऊपर नाचता है, कोई रस्सी के ऊपर में, कोई सर के ऊपर में कलसी रख करके। कृष्ण कहते कभी देखे हो कोई सांप के ऊपर नाचने वाले किसको देखे हो? इसलिए कृष्ण किसको ऊपर नाच नृत्य की? कालियों के सर के ऊपर भगवान नृत्य की। और कैसे? टेढ़ा मेढ़ा था, कोई प्लेन नहीं, टेढ़ा सांप का सर कैसे होता है? टेढ़े मेढ़े एक ऊपर दूसरे, दूसरे से तीसरे भगवान नृत्य कर रहे थे। जब नृत्य कर रहे थे इतने में स्वर्ग से सारे देवता लोग भी उतर करके आ गए, और भगवान नाच रहे थे, और देवता लोग क्या कर रहे थे? बोले तांडव गति मुंडन पर शतगिरि धारी, तांडव गति मुंडन पर शतगिरि धारी, पम 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 पद पद गति प्रभु। अभी तक मैंने कभी देखा नहीं सांप का सर ऊपर कोई नाचे, हाँ इसलिए बम बम बलिहारी आपको बलिहारी हो, आपकी जय जयकार हो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए कृष्ण मयूर मुकुट उतार कर रखते हैं, क्यों? सबसे सुंदर नाचने वाला मैं हूँ, लेकिन वो नृत्य विद्या भी राधा रानी तेरे चरण में। कभी कभी कृष्ण बंसुरी भी रख लेते राधा रानी के चरण में। बोले बंसुरी क्यों रखते हैं? बोले ये दुनिया को बोले त्रिभुवन मानसा कर से ही मुरली कलक जीता, ये विश्व ब्रह्मांड को मैं मोहित कैसे करता? बोले बंसुरी से, बंसुरी को दरा गैया के भी हाँकता हूँ, बंसुरी को दरा गोपियों के भी बुलाता हूँ, बंसियों को दरा मैंने
बछड़ को भी बुलाता हूँ, बंसी को द्वारा गिरिरा क्या होता है, गिरिराज पिघल जाती है, बंसी ध्वनि से आकाश में बारिश होने लग जाती है, बंसी जब बजाते हैं उल्टी जमुना बहती है, सारा दुनिया सारा काम मेरे बंसुरी से होता है और बंसुरी को मैं स्वयं सेवा करता हूँ। है मैं बंसुरी को, कृष्ण कैसे बंसुरी बजाते हैं मेरे तरफ में देखो, कृष्णा कृष्ण का हाथ में बंसुरी ऐसे ना, ऐसे बंसुरी बजाते हैं ना, इसलिए गोपियाँ कभी कभी राधा रानी कहती हैं अगली जीवन में तो मैं और राधा ही नहीं बन करके आऊँगी, आऊँगी तो ये बंसुरी बन करके। बोले क्यों? बोले देखो कृष्ण गोप, हम गोपी अभी कृष्ण की अधरा मृत में हमारे अधिकार, लेकिन ये बंसी देखो कितना ढीठ है, ये हमें अंगूठा दिखा दिखा करके कृष्ण के सारे अधरा मृत को यही पान कर रहा है। कृष्ण बंसुरी बजाते हैं ना, कहते कृष्ण का होठ कितना सुंदर लाल वर्ण, लेकिन ये बंसुरी सारे अधरा मृत को यही पान करता है। देखो कृष्ण का जो होठ नीला पड़ गया, क्योंकि सारे रस को तो यही पीता है। कैसे ऐसे धारण करते हैं ना, मानो जैसे कोई राजा महाराजा की सेवा करते हैं, कहते कृष्ण का अंगुल गोबर में, कहते अंगुली नहीं, जैसे कोई राजा दल्लभ गद्दी को पर शयन करता है, इसलिए कृष्ण का हाथ की अंगुली, और क्या करता है नौकर उनका चरण दबाता है, कृष्ण अंगुली चलाते हैं ना, अंगुली चलाते हैं, बोले अंगुली नहीं चला रहे हैं, इसकी चरण की सेवा कर रहे हैं, किसकी, बंसुरी की चरण की सेवा करते हैं। फिर जैसे राजा महाराज का सर गोबर में छत्र धारण करते हैं, कान का जो कुंडल देखना कृष्ण के ऐसे कुंडल होता है, बोले ये कुंडल नहीं, जैसे इसके सर गोबर में छत्र धारण करके रहती, आंखों का जो पलक है, बोले ये पलक नहीं, जैसे राजा महाराजा को पंखा झुलाते हैं, ये पंखा झुलाते हैं, इसलिए राधा रानी कहती अगली जीवन में तो राधा ही नहीं बनेंगी, आऊंगी तो क्या बन करके आऊंगी, जोर से बोलो हाँ, बंसुरी बन करके आऊंगी, आऊंगी तो कन्हैया हमें कभी छोड़ेगी नहीं, दिन रात कृष्ण को साथ में, गोविंद देव को साथ में ही दिन भर में रहूंगी, कितने बंसी। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, अपना बंसुरी के जितने सारे दुनिया को तो त्रिभुवन को आकर्षण करते हैं, वो भी राधा जी के चरण में कृष्ण रख देते हैं, लेकिन तब भी राधा रानी मानती नहीं, लास्ट में कृष्ण क्या करते जानते हो, पूरा राधा जी के चरण में लेट जाते, बोले राधे, बोले ये गिरिराज को धारण करने में मेरे को जितने ताकत नहीं लगा, अघासुर बकासुर को मारने में जितने ताकत मेरे को नहीं लगता है, तू जो मान करती है ना, तेरे मान बनाने के लिए पता नहीं मेरे को क्या करना पड़ जाता है, पड़ता कि नहीं, पुरुष लोगों को पता होगा, अगर स्त्रियां जब मान कर पुरुष लोगों को पता होगा कितना क्या करना पड़ता है, इसलिए ऐसे इसलिए कृष्ण राधा जी के चरण में सीधा लेट जाते हैं, लेकिन जब तब भी नहीं मानती है ना, कृष्ण क्या करते हैं, कभी श्यामा सती का रूप धारण करते हैं, कभी सन्यासी कृष्ण गोविंद देव धारण करते हैं, और अलग अलग वेश धारण करते हुए राधा रानी को पास में प्रेम की भिक्षा लेने के लिए कृष्ण स्वयं गोविंद स्वयं श्री राधा रानी को पास में पहुंचते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री गोविंद देव मदन मोहन की, बोले श्री गोपीनाथ की, बोलो कोई जय कोई है बोल रहे, अरे बढ़िया प्रसाद तैयारी, जोर से बोलो, भूख लगेगा तभी तो प्रसाद में आनंद आएगा, जोर से बोलो, बोले श्री मदन मोहन की, भैया पता तो चले कथा, इसलिए कृष्ण गोलोक वृंदावन में सोच रहे हैं, मैंने सारे रस को मैंने आस्वादन किया है भगवान होकर के, भक्तों का इतना प्रेम में वशीभूत हो गया, लेकिन एक चीज मेरे सर का ऊपर चला गया, जो चीज मैं समझ नहीं पाया वो क्या है, बोले राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है, क्या महिमा राधा रानी की प्रेम की है, इसलिए राधा रानी जब राधा कृष्ण का भी कहा पर प्रेम सरोवर में राधा रानी गोविंद देव का गोद में बैठे हुई, इतने में एक भौंरा राधा रानी की गले में फूल की माला थी, एक भौंरा बैठने के लिए आया, राधा रानी को डिस्टर्ब कर रहा था, कृष्ण ने मधु मंगल को बोले भौंरा को भगा दो, तो इतने में एक लठिया लेकर के भौंरा को मधु मंगल भगा करके आया, आ करके बोले श्याम सुंदर मैंने ये भौंरा का एक नाम मधुसूदन दिए, कृष्ण का नाम भी मधुसूदन, भौंरा का एक नाम भी
भैया माइकी वाले थोड़ी सी उसको तेज कर दो थोड़ी सी। इसलिए भौरा का एक नाम भी मधुसूदन है। मधुमंगल में कामिने मधुसूदन को इतना दूर मैंने भगा करके आया, मधुसूदन और यहाँ आ ही नहीं सकता है। लेकिन मधुसूदन कृष्ण का नाम, अभी राधा रानी को गोद में बैठे हैं, लेकिन राधा रानी सोची इतना दूर मधुसूदन को कृष्ण को भगा करके आए और मैं मिल नहीं सकती हूँ, वहीं पर राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठे हुए हा कृष्ण करते 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 वहीं पर बैठ सो। कृष्ण तो राधा रानी की ये प्रेम को, इसको कहते प्रेम वैचित्रता। प्रेम वैचित्र मतलब है कृष्ण पास में रहते हुए भी राधा रानी की प्रेम की इतनी ऊंचाई है, जब सुन लिया कृष्ण को हमने इतना दूर छोड़ दिए, वहीं पर बेहोश हो गई। कृष्ण सोच रही हैं मेरी गोद में बैठी करके भी ऐसे प्रेम वैचित्रता, इसलिए और मैं ब्रज में नहीं रहूँगा, अभी मैं ब्रज छोड़ कर चला जाऊँगा। क्यों? जब मैं ब्रज छोड़ करके चला जाता हूँ, राधा रानी जब मेरे को देखती है ना, वो कृष्ण मानकर बात करती है। जब तमाल वृक्षों को देखती हैं, कृष्ण बोल करके आलिंगन करती हैं, और मेरा चिंतन करते 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 राधा रानी एकदम डूबी रहती हैं, लेकिन मैं पास में रहते हुए भी ऐसे प्रेम की महिमा बेहोश हो गई। कृष्ण स्थिर किया और मैं ब्रज में नहीं रहूँगा, इस बार मैं मथुरा और द्वारका में चला जाऊँगा। राधा रानी की ऐसे प्रेम की वैचित्रता राधा रानी की है, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहते विश्व ब्रह्मांड मेरी बंसुरी की शब्द सुन करके विश्व ब्रह्मांड मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन जब मैं राधा रानी की गला की आवाज सुनता हूँ ना, मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ। विश्व ब्रह्मांड मेरे शरीर इतने कोमल है, विश्व ब्रह्मांड मेरे शरीर को स्पर्श करके विश्व ब्रह्मांड मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन मैं जब राधा रानी के शरीर को स्पर्श करता हूँ ना, मैं स्वयं सुशीतल हो जाता हूँ। है कहते मेरी बात सुन करके विश्व ब्रह्मांड मुग्ध होते हैं, लेकिन बंसुरी ध्वनि सुन करके, लेकिन राधा रानी की गला की आवाज़ सुनकर मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ। राधा जी में ऐसे क्या वस्तु है, राधा जी की क्या प्रेम की महिमा किया है, अभी मैं भी उसको समझना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे जो आनंद मिलता है राधा जी के दर्शन से, लेकिन राधा रानी को मेरे से करोड़ों गुण ज्यादा आनंद मिलता है। कितना गुण? बड़ा आश्चर्य चीज है। मतलब कृष्ण को जो आनंद मिलता है राधा जी को देख करके, राधा जी को जो कृष्ण को दर्शन में आनंद, कहते मेरे से करोड़ों गुण ज्यादा राधा रानी को आनंद होता है। भैया राधा जी की प्रेम में से क्या विशेष वस्तु है, और राधा जी की महिम प्रेम की क्या महिमा है। प्रेम बढ़ते बढ़ते के अंत में छोर होता है, लेकिन उसको ऊपर में भी राधा जी की प्रेम बढ़ती रहती है, उसको ऊपर में भी राधा जी की प्रेम बढ़ती रहती है। इसलिए और मैं जो सुंदर हूँ, कृष्ण इतने सुंदर हैं, कृष्ण इतने सुंदर हैं, कभी कभी गोपियाँ कृष्ण को ताना मारती हैं, क्या बोलते हैं, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की, अच्छा हो गया तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बना कर लाला बना दिया, तू इतने सुंदर अगर तू लाली बनती ना, पता नहीं विश्व ब्रह्मांड में जितने क्षत्रिय तेरे को पाने के लिए युद्ध करते करते सारी दुनिया मर जाती, तू इतने सुंदर हैं। इसलिए जो गोविंद देव हैं रूप गोस्वामी कहते बोले खबरदार वृंदावन मत जाओ, अगर भूले भटकते हुए वृंदावन चले गए ना, भूल से भी कैसी तीर्थ घाट पर मत जाना, अगर वहाँ भूल करके चले गए, ये गोविंद देव को दर्शन करना नहीं संत कह रहे जिन्होंने उनको प्रकट किया। बोले क्यों? बोले एक बार अगर देखोगे ना उनका तिरछी चित्त बने नहीं, वो तीर है, अगर इधर चुभेगा तो उस पार में निकल जाएगी। उनका जो मीठी मीठी मंदम और मुस्कान हाथ है, वो मुस्कान नहीं जादू है, वो जादू है, खबरदार उनको मारू मुकुट को तरफ में नजर नहीं पड़े। हैं कहते एक बार जो देखेगा ना, अगर पिता देखेगा तो कहते अपना बच्चों को भूल जाएगा, बच्चा देखेगा तो पिता को भूल जाएगा, पत्नी देखेगा तो पति को भूल जाएगा, पति देखेगा तो पत्नी को भूल जाएगा। जो उसको देखेगा ना, बस जो एक बार देख ले सारा दुनिया को तो भूल जाओगे। भूल करके उसको प्रेम में राधे राधे बोल और वृंदावन में डोलो। संत कहते हैं
वो संत कह रहे हैं, कहते भैया अगर ये जीवन को धन्य बनना चाहते हो, क्या ये दुनिया के चक्र में पड़े हुए हो, एक बार श्री गोविंद देव को तो दर्शन करो, एक बार गोविंद देव को दर्शन करो, कितना मीठा, कितने मधुर, कितने सुंदरता है, हैं? इसलिए कृष्ण सोच रहे मैं इतना सुंदर हूँ, इतना सुंदर हूँ, कहते अपर कलित पूर्वम कश्चमात तारकारी। रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण जब अपना परछाई को, प्रतिबिंब को पिलर के ऊपर में देखते हैं, अपना परछाई को, कृष्ण खुद गोविंद देव पागल हो जाते हैं, बोले ये कौन है, परछाई को देख करके कृष्ण बोले इतने सुंदर, कब मैं राधा रानी बनूंगा, क्योंकि इनको आलिंगन राधा रानी करती है, कब मैं राधा रानी बनकर कब इसको आलिंगन में करूं, इतने सुंदर है कृष्ण, इतने सुंदर है गोविंद देव जी। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं मैं जो सुंदरता हूँ, लेकिन ये सुंदरता को पूर्ण रूप में कौन आस्वादन करती है, राधा रानी। इसलिए राधा रानी कैसे मेरे को प्रेम करती है, प्रेम करके उनको क्या आनंद होता है। इसलिए जब तक मैं स्वयं राधा रानी नहीं बन जाता हूँ ना, तब तक इसको मैं आस्वादन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए कलयुग में राधा रानी को कृष्ण स्वयं अपना गुरु बनाए, अपना गुरु बनाए, और राधा रानी को पास में गए, बोले हे राधे दो चीज मेरे को उधार दे दो। बोले क्या चाहिए, बोले तेरे भाव और तेरे रूप को, ये दो चीजें मेरे को उधार दो। इसलिए कलयुग में राधा भाव दूत सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। इसलिए कलयुग में कृष्ण क्या क्या, उन्होंने राधा जी का भाव को और राधा रानी की अंग कांति को, दो चीज को उन्होंने चोरी किया, उधार लेकर के कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आए। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए ये चार कारण हैं महाप्रभु कलयुग में क्यों आए, याद रहेगा, किसको किसको याद रहेगा, कल मेरे को थोड़ी थोड़ी बोलना, ठीक है, ठीक। इसलिए ये चार कारणों को लेकर के महाप्रभु आए। इसलिए महाप्रभु की जन्म कथा सुन लेते हैं, फिर ये हमारे दो भक्त थोड़ी थोड़ी आपको कथा सुनाएंगे, रूप सिख्या और श्री राय रामनाथ सभा, ठीक है। हरे कृष्ण, कहते श्री अभी हम श्रवण कर रहे थे, जब श्री अद्वैत आचार्य आए, जगत का दुर्दशा को देखा, कैसे लोग विषय में कैसे रमे हुए हैं, कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, इसको देख करके बड़े दुखी हो गए, और दुखी होकर के उन्होंने महाप्रभु को उन्होंने बुलाया। जब महाप्रभु को बुलाया, महाप्रभु प्रसन्न हो गए। अब श्री चैतन्य महाप्रभु आना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु आना चाहते हैं, लेकिन उनको पिता माता तो होनी चाहिए ना, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का पिताजी कौन है, श्री जगन्नाथ मिश्र है, ना जगन्नाथ मिश्र। बोले ये जगन्नाथ मिश्र कौन है, बोले ये कोई साधारण जगन्नाथ मिश्र नहीं, ये श्री वसुदेव भी है, ये श्री नंद बाबा भी है, हैं, ये श्री नंद बाबा भी है, ये वसुदेव भी है, जितने भगत ये भी दत्तात्रेय, जितने सारे भगवान की जो जो पिता है ना, ये सबके सब श्री जगन्नाथ मिश्र को अंदर में आए। सच्ची माँ को अंदर में कौन आए, सच्ची मैया जसोदा आई, माता देवती आई, इनके अंदर में कौशल्या देवी, ये सबके सब इनके अंदर में प्रवेश किया। प्रवेश करते हुए जैसे कृष्ण जन्म होने से पहले पहले कौन आए, श्री बलदेव प्रभु आए, श्री बलदेव प्रभु आए, उसको बाद में फिर कृष्णचंद्र आते हैं। इसलिए महाप्रभु आने से पहले कहते श्री बलदेव अभिन्न श्री नित्यानंद प्रभु को अंश रूप में श्री विश्वरूप रूप में आए, जिन महाप्रभु का जो बड़े भाई का नाम था श्री विश्वरूप नाम था, कि उन्होंने से विश्वरूप रूप में वो कहाँ पर आए हैं बताओ तो, हाँ विश्वरूप रूप में ये आए, और उनको पहले कहते श्री नित्यानंद प्रभु भी आए, बोले वो कहाँ पर आए, एक चक्रा गांव में, कहाँ पर आए, गए हो, कौन कौन गए, हाथ उठा कौन कौन गए, हाँ कहते इन्होंने श्री एक चक्रा गांव में आए हैं। कहते इनका पिताजी का नाम हराई पंडित और उनकी पत्नी का नाम थी पद्मावती। कहते इनकी पुत्र बन करके श्री नित्यानंद प्रभु आए, बोले नित्यानंद प्रभु कौन है, बोले ये धाम स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु।
जो भगवान को धारण करते हैं ये संधिल शक्ति के अधिष्ठात्री देवता। अभी सच्ची माँ की गर्भ में श्री कृष्ण जैसे श्री बलदेव और कृष्ण आने से पहले सड़ गर्भा देव की गर्भ में आए जो छह बच्चे को कंस ने मारा था, छह बच्चों को कंस ने मारा था, उसी तरह श्री महाप्रभु आने से पहले उनको आठ जो बेटियां हैं पहले जन्म हुई लेकिन वो भी शरीर छोड़े। ये आठ बेटी को बाद में कहते इसको बाद में श्री विश्वरूप आए और उसको बाद में श्री सच्चिदानंद गौर हरि जन्म ग्रहण करते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म ग्रहण करते हैं जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति स्वार्जुन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरा जो जन्म कर्म है वो साधारण नहीं है, हमारी जो जन्म कैसे हुआ है पिता माता के मिलन से शुक्र जन्म हमारी है, शुक्र से हमारी जन्म हुआ, किंतु हमारा जो शरीर है खिति जल पाप का गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, हमारे शरीर पांच हिस्से बनी हुई मिट्टी वायु जल आकाश से, लेकिन भगवान की शरीर कैसे हैं, बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्यादि है तबे, भगवान की शरीर सब चीत आनंद से हैं, इसलिए भगवान का जो जन्म कर्म दिव्य है, इसलिए भगवान कहते अजोपि सन अभय आत्मा भूतानापि ईश्वरापि सन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। कर मेरा जन्म नहीं है लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ। बोले क्यों जन्म लेते हैं, बोले अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों को फिर मैं अनुग्रह करने के लिए कृपा करने के लिए। अगर भगवान जन्म नहीं लेते आज क्या बैठ कर कथा सुनते, अगर कृष्ण नहीं आते राम नहीं आते हम जो सुनते हैं ठाकुर की कथा फिर क्या कथा कर सुनते, फिर दुनियादारी की बात करके नर्क जाते सीधा, लेकिन भगवान की कथा सुनते सुनते हम भगवान के पास में जाएंगे ठाकुर के पास में। इसलिए भक्तों के ऊपर में अनुग्रह करने के लिए भगवान जन्म ग्रहण करते हैं। अभी यहाँ पर महाप्रभु आने से पहले श्री जगन्नाथ मिश्र कहते हैं सच्ची माँ को, बोले सच्ची मैंने रात में एक स्वप्न देखा है। क्या मैंने स्वप्न देखा, एक दिव्य धाम ये मेरे हृदय में प्रवेश किया है और मैं देखा मेरे हृदय से तेरी हृदय में गया है, इसलिए लगता है सच्ची हमारे कोई एक महापुरुष जन्म ग्रहण करने वाले, क्योंकि वो दिव्य प्रकाश मेरे हृदय से तेरी हृदय में गए। जब गए ना तब सच्ची माँ गर्भधारण की, जब सच्ची माँ गर्भधारण की जैसे जैसे भगवान कृष्ण जब देव की गर्भ में आए, आप लोग सब सुने होंगे कैसे 33 करोड़ देवता कैसे आ करके स्तुति कर रहे थे, यहाँ पर भी जब महाप्रभु गर्भ में आए उसी समय समस्त देवता भी स्तुति कर रहे थे। बोले क्या कर रहे थे, बोले जय जय महाप्रभु जनक सवार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार, जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय अभक्त दमन महाकाल, जय जय सर्व सत्यमय कलेवर, जय जय इच्छामय महामहेश्वर। इसलिए समस्त देवता लोग आकर के गर्भ स्तुति कर रहे हैं ठाकुर जी को, बोले हे प्रभु आप कृपा करके विश्व ब्रह्मांड का मालिक आप हो, संकीर्तन के लिए ही आप आ रहे हो और आ रहे क्यों, धर्म को जगत में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। इसलिए प्रभु आप कृपा करके अपना इच्छा से ही आप जगत में आ रहे हो, इसलिए प्रभु आप कृपा करके आओ। अभी ठाकुर जी जन्म लेंगे ऐसे तो जन्म नहीं लेंगे, जैसे भागवत में आता है अतः सर्व कर्म पेत काल परम स्वभाव, जब भगवान कृष्ण आए देखना उसी समय में ये प्रकृति एकदम दुल्हन जैसे सज गई, क्यों विश्व ब्रह्मांड का मालिक आ रहे,
इसलिए महाप्रभु आने से पहले ये जो नवद्वीप धाम इतना सुंदर फल फूल से सज गया था, इसलिए बाद में हम सुनेंगे, इसलिए नीलांबर चक्रवर्ती इनका नाम विश्वंभर रखा। क्यों? ये जन्म होने से पहले ये पृथ्वी सस्य से फल फूल से बड़े सुंदर रूप में ये पृथ्वी सज गई थी, जो विश्व ब्रह्मांड को भरण पोषण किया है। इसलिए ये पृथ्वी बड़े सुंदर रूप में सज गई, महाप्रभु जन्म ग्रहण करेंगे। अभी महाप्रभु जन्म ग्रहण करेंगे, इतने में उसी समय में महाप्रभु जब जन्म हुए ना, ठीक शाम यही समय था, इसी समय पर, अभी जो समय है ना इसी समय पर, और उसी दिन चंद्र ग्रहण था। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है, उधर कितना ग्रहण जब खुल जाती है, लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, और जितने लोग सबके सब स्नान करने के लिए गंगा में जा रहे थे, लेकिन उसी अवस्था में कोई तो हरि का नाम नहीं लेते थे, भक्ति का प्रभु का नाम नहीं लेते थे, लेकिन जब कोई गंगा स्नान करने जाते थे ना, उस समय में बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री सचिन नंदन गौर हरि की। इसलिए सब के सब लोग हरि बोल करते करते सब के सब जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए। जब गंगा स्नान करने जा रहे थे ना, ठीक उसी समय में श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में अवतीर्ण हुए। जब महाप्रभु जगत में अवतीर्ण हुए हैं, अवतीर्ण होने पर इसलिए यहाँ पर शिक्षा दिया गया, महाप्रभु जगत में क्यों आए, इसलिए महाप्रभु जगत में आए हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए। इसलिए महाप्रभु जन्म का समय में सबके सब ठाकुर का नाम ले रहे थे, चारों तरफ समस्त देवा देवी सबके सब, यहाँ पर वर्णना किया है, ब्रह्मा जी शंकर इंद्र चंद्र सबके सब बधाई देने के लिए महाप्रभु जब जन्म हुए, बधाई देने के लिए सबके सब वहाँ पर आए थे समस्त देवता देवी। इसलिए मैया देख देख करके बोले इतने सुंदर सुंदर स्त्री कभी कभी तो देखो ही ना इनको, ये कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि कोई इंद्र चंद्र इंद्राणी और रुद्राणी सबके सब आ रहे थे दर्शन के लिए प्रभु महाप्रभु को। सच्ची मैया सोच रही तो मैं तो कभी इनको दिखा ही नहीं कभी, ये कहाँ से सबके सब आ रहे हैं। और अद्वैत आचार्य और श्री इतने प्रसन्न हो रहे थे, सबके सब नाच रहे थे, क्यों, उन्होंने इतने कठोर तपस्या की मेरे प्रभु कब जगत में आए, जगत में हरि कीर्तन को प्रचार करे, जगत में प्रेम को प्रचार करे, सब के सब हरिदास ठाकुर जी अद्वैत आचार्य नित्य सब के सब और नित्यानंद प्रभु। तो जब महाप्रभु अवतीर्ण हुए, कहते से एक चक्र ग्राम से इतने जोर से उन्होंने हुंकार की, इतने जोर से उन्होंने आवाज दी, माना विश्व ब्रह्मांड फट जाएगी, ऐसे उन्होंने आवाज की। क्यों? कहते मेरे प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जन्म हुए हैं, महाप्रभु जगत में अवतीर्ण हुए हैं। अभी सारे नवद्वीप वासी बधाई लेकर के उपहार लेकर के सबके सब सची माँ के घर में आए हैं और सबके सब बधाई दे रहे हैं। एक बधाई गा लो, गा लो, बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रगड़ाला, जियो
19वां परिच्छेद में श्रीमन महाप्रभु जिस समय वृंदावन धाम यात्रा कर रहे थे उसी समय श्री रूप गोस्वामी भी खबर पाके महाप्रभु के दर्शन के लालसा से वृंदावन जा ही रहे थे। इतने में श्री रूप गोस्वामी को पता चला कि श्रीमन महाप्रभु अभी वृंदावन रस्ते में है और प्रयाग में आके उपस्थित हुए हैं। तब से रूप गोस्वामी पास श्रीमन महाप्रभु से प्रयाग में मिलन हुआ। सुंदर गोपाल है तो बोल को बुला मिलन हुआ और श्रीमन महाप्रभु 10 दिन तक श्री रूप गोस्वामी पाद को जो शिक्षा दिया उसको ही शास्त्र में उसको ही बोला जाता है रूप शिक्षा। और फिर सनातन गोस्वामी पाद को जो शिक्षा प्रदान किया उसको बोलते हैं सनातन शिक्षा। इसलिए हम लोग विशेष करके रूप शिक्षा को श्रवण करेंगे तो प्रसंग वक्त उसको श्रवण करते हैं। यद्यपि ये बहुत कठिन और बहुत टफ हुआ फिर भी मेरा पक्का विश्वास है कि आप लोग अगर इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप में इस चीज़ को आप समझ पाओगे। तो बता रहे हैं श्रीमद् महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को बता रहे हैं कि प्रभु कहे सुन लो भक्ति रस लक्षण शास्त्र रूपे कहे विस्तार न बने दो जाए पराभर शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु तो माँ चखाई थे कहे के तारे के बिंदु। श्री रूप गोस्वामी पाद को श्रीमद् महाप्रभु कह रहे हैं कि हे रूप गोस्वामी ये भक्ति रस के जो तत्व है इसी रस तत्व को ना भरने लो विस्तार मैं विस्तार रूप में तुम्हें वर्णन नहीं कर सकता बोले धरती का समय है सूत्र रूप में मैं तुमको वर्णन कर देता हूँ। बोले कैसे कि भक्ति रस का जो सिंधु है ये पारावार सिंधु बहुत अनंत समुद्र ये भक्ति रस है केवल उसमें से केवल एक बिंदु में तुम्हें चखा रहा हूँ तुम्हारे आस्वादन के लिए केवल मैं एक ऐसे बिंदु दे रहा हूँ। देखो श्री रूप गोस्वामी पाद उसी एक बिंदु को लेके श्री भक्ति रसामृत सिंधु को ग्रंथ को रचना किया और श्री सनातन गोस्वामी पाद उसी एक बिंदु को लेके बृहद भागवत ग्रंथ को रचना किया। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं तो मां चखाई थे एक बिंदु तुमको मैं केवल एक बिंदु उसमें से तुमको मैं प्रदान कर रहा हूँ। बोले बता रहे हैं कि महाप्रभु ने उनको केवल एक बिंदु क्यों प्रदान किया बोले क्यों इस रस को बारे में थोड़ा बताया तो उसके दो कारण बता रहे हैं एक तो साधारण कारण और एक बता रहे हैं कि मुख्य कारण। बोले मुख्य कारण क्या है मुख्य कारण है कि वृंदावनियमता काले मुक्ता संचार्य रूपे पुनः प्रभु सृष्टि बता रहे हैं कि वृंदावन में जिस रस के लिए वार्ता किस प्रकार गोपियों के साथ कृष्ण मधुर के मधुर लीला कर रहे थे कहाँ कहाँ कृष्ण अभी हम सुनते थे ना गुरु महाराज के मुखार भी करते किसने किस स्थान पर काले दलन लीला किए किस स्थान पर कृष्ण माखन चोरी लीला किए किस स्थान पर कृष्ण गोचरण लीला किए किस स्थान पर कृष्ण राधा रानी के चरण की सेवा किए ये सारे जो लीला स्थली है वृंदावन में वो काले लुप्ता काल ग्रंथ से वो लुप्त हो गया था कुछ तो मृक्षों के आक्रमण से भी लुप्त हो गया था और कुछ कुछ उसी स्थान को चिन्हट करना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद सबसे पहले जब वृंदावन में गए श्रीमद् महाप्रभु के आदेश से इनका एक कार्य ये था कि महाप्रभु के मनोविष्ट की लुप्त तीर्थों को उद्धार करना ये रूप गोस्वामी पाद सबसे पहले ये गोविंद देव को प्रकाशित किया बड़े विग्रहों को प्रकाशित किए स्थान स्थान पे ठाकुर को महिमा को प्रकाशित किए गैर किस स्थान पे ठाकुर जी ने काले दलन लीला किया किस स्थान पे ठाकुर जी ने मिट्टी खाए थे किस स्थान पे नंद बाबा यशोमती के मैया के घर में कृष्ण मधुर मधुर लीला किया करते थे ये सारे स्थान को रूप गोस्वामी ने प्रकाशित किए और हमारे सारे रूप गोस्वामी के आनुगत्य में सारे गोस्वामी वर्ग और गुरु वर्ग ने भी इसको प्रकाशित किए। अब इसमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्ति संचार किए थे जिसको हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में भी श्रवण करते हैं कि आदि कवये मोयंती जस्तु रया
कि सबसे पहले भगवान ने कुछ आदि कवि जो ब्रह्मा को अपने शक्ति संचारित किया कि जगत को सृष्टि करने के लिए, यहाँ पर भी श्रीमन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में एक एक शक्ति को संचारित किया। बोले क्या, न काले न लुप्ता निज शक्ति मुक्तम, एक शक्ति को संचारित कर रहे हैं कि वृंदावन में जो जो लीला स्थली लुप्त हो गया था उसको पुनः प्रकाशित करने के लिए। इसलिए बता रहे हैं कि प्राग विधो प्रभु रूप ईव लोक सृष्टि, विधो मतलब विधाता जिस प्रकार के कृष्ण के संचारित के द्वारा ब्रह्मा कार्य करने लगे, यहाँ पे उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु की कृपा के फल से रूप गोस्वामी पादरी श्रीमन महाप्रभु को मनो विष्णु को पूर्ण रूप में जगत में प्रकाशित कर पाए। और दूसरा जो साधारण कारण बता रहे हैं कि जो शास्त्र है उसको बोला गया है कि समुद्र के समान शास्त्र है, समुद्र समान इतने सारे वेद है, इतने सारे उपनिषद, उसमें भी पुराण आप लोग थोड़े आगे आ जाओगे तो पीछे आगे अपने आप बैठ जाएंगे, लोग वापस चले जाते हैं तो जगह नहीं बैठ पाने। और सुंदर गोपाल प्रभु प्रार्थना करो अगली मंदिर को बढ़ा रहे हैं, ताली बजा सुंदर गोपाल और आगे नित्यानंद प्रभु की। तो बता रहे हैं ये जो शास्त्र है वो समुद्र के समान है, तो समुद्र के समान इतने सारे शास्त्र में हम बद्ध जीव कलिकाल के जीव को बताया गया है प्रायण अल्पायुषा सभ्या तलाब रश्मिन जुगे जना मंदा समंदा मंदय मंद भाग्य उपयोगिता। एक तो कलिकाल के जीव के आयु अल्प है और दूसरे बताया गया है कि मंदा समंदा मतय बड़े आलसी हैं, भजन में बड़े आलसी हैं, भोजन में होशियार हैं। देखो इसीलिए बता रहे हैं कि हम शास्त्र को ग्रहण नहीं कर सकते। तो बता रहे हैं कि समुद्र के जो पानी वो सारे जीव जंतु के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। समुद्र के पानी कभी टेस्ट किया होगी नहीं, कैसा लगता है? बहुत मीठा, मीठा लगता है, बहुत खारा लगता है। जो जो लोग इस समुद्र का आश्रय करके रहते हैं वो लोग ही उनको आस्वादन कर सकते हैं, और बाहर के जितने भी जीव इसको आस्वादन नहीं कर सकते। बोले इसको आस्वादन या कैसे कर सकते हैं? तो बता रहे हैं कि सूर्य सूर्य जब इस समुद्र के जल को बाष्पीभूत करके मेघमाला में जाता है और उसी मेघमाला में जब जल फिर से सूर्य के प्रभाव से फिर से जब वृष्टि होता है तब वो पूर्ण रूप में सारे जगत को उसी जल के माध्यम से है, तो समुद्र के ही जल लेकिन बाष्पीभूत होता है सूर्य के माध्यम से और सूर्य के द्वारा फिर वृष्टि होता है, जब बारिश होता है तब पूरा जीव जगत शांत से तृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो शास्त्र है वो समुद्र के समान बताया गया है, इसीलिए हम कलिकाल के जीव कम आयु और आलसी होने के कारण हम इसको पूर्ण रूप में इसके सार को निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो सूर्य वो सूर्य होते हैं ये साक्षात गुरुवर्ग, ये साक्षात गुरुवर्ग सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं, जिसके लिए भागवत में भी कहा गया है अज्ञान ध्वंस विध्वंस जिस समय ये सूर्य प्रकट होते हैं इस जगत में सारे अंधकार सारे जितने भी अंधकार है वो सब नष्ट हो जाते नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार जिस समय ये गुरुदेव प्रकट होते हैं इस जगत में सतगुरुदेव के कृपा से जीव के हृदय में जितने भी काम क्रोध लोभ मोह मंद विकार और जीव के हृदय में जितने भी अज्ञान रूपी अंधकार होता है ये गुरुदेव मम कर्म रसायन अपने कथा के द्वारा शास्त्र के द्वारा उसको पूर्ण रूप में उसके अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। तो बता रहे हैं गुरु का काम क्या होता है, सूर्य जिस प्रकार समुद्र से बाष्पीभूत कर लेते हैं जल को उसी प्रकार ये अपार शास्त्र में से गुरु पाद पद्म क्या करते हैं आचीन होती उसी शास्त्र को चयन करते हैं और चयन करके स्वयं आचरण खुद आचरण करते हैं और आचार्य स्थापित दूसरों को भी उसी चीज को शिक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए जब उसी शास्त्र को गुरु पाद पद्म आके जगत को
क्या करते हैं, उसी शास्त्र का सार हम सबको सार सार रूप में प्रदान करके हम सबका कल्याण करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रूप शिक्षा है उसको विशेष करके पांच तत्व श्रीमद महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को वर्णन बता रहे हैं, क्योंकि सूत्र रूपे कही विस्तार न भरने को जाए। लहे रूप गोस्वामी ने तुम्हें केवल सूत्र ही बता देता हूँ, बोले पांच सूत्र बताया। बोले क्या क्या, सबसे पहले तो जीव तत्व, उसके बाद गुरु तत्व, उसके बाद साधन तत्व, उसके बाद भक्ति तत्व और उसके बाद भक्ति रस तत्व। बड़े जीव तत्व क्या है, ये जीव किस प्रकार जगत में सृष्टि होता है, जीव का क्या स्वरूप है, जीव का क्या लक्षण है, जीव माया में कैसे आते हैं, ये सारे चीज जिस चीज में वर्णन है उसको बोला जाता है जीव तत्व। फिर बता रहे हैं कि अगर जीव माया में आ गया तो उसका उद्धार कैसे होता है, बोले गुरु कृपा के बिना इस जीव को उद्धार नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले बिना गुरु भवानी ठीक है। बोले गुरु प्रेमानंदे हरे हरे।